So, good evening, friends. Good evening to all of you. Sunny. स्टूडेंट्स टुडे सेशन आज की सेशन स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, एंड दैट इज अबाउट सेक्शन 147, फोर्टी का स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और क्योंकि ये पूरा पूरा टॉपिक ही यूजल चेंज हो चुका है इस वजह से इस टॉपिक का स्टूडेंट में थोड़ा सा केयरफुली करना बहुत जरूरी है और मेरा मानना है स्टूडेंट्स इस में इसको लगकर अराउंड नंबर अटकेगा एंड दैट इज द काइंड ऑफ द इंपॉर्टेंस विच इज अटैच टू दिस टॉपिक तो एक बार स्टूडेंट जल्दी से इस टॉपिक को करते हैं एंड ट्राई टू लुकिंग आफ्टर ऑल दिस थिंग उसमें ये भी आपको पता रहना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा होगा 147, उनको बता दिया जाए कि 147 में स्टूडेंट्स जो पहले बहुत सारे केस लॉ हुआ करते थे अब वो सब निकल गए दीज केस लॉज आर नाउ नो लॉन्गर एग्जिस्ट तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप लोग को बता दो कि ये अब वो केस लॉ एग्जिस्ट नहीं करता सो लेट्स देन डिस्कस आउट एक करके एक करके करेंगे

साजिया वेरी गुड वेरी गुड चलो अच्छा बहुत अच्छा लगा सुन के आई रिमेंबर यू आर वेरी मच एक्टिवली देर इन आर लास्ट सेशंस तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रुप वन नाउ एंड कंग्रेचुलेन्स फॉर योर क्लियरिंग ऑफ योर ग्रुप टू तो अब ग्रुप वन की आप अच्छे से तैयारी करें और नेक्स्ट अटप में सक्सेसफुली इसको निकल के सी बन जाओ बेस्ट विशेष साजिया तो चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग 147 स्टार्ट करेंगे नोट्स <coughs> स्टूडेंट्स आप लोग अपना मैं कुछ बनाता रहूंगा वो आप नोट्स इसको लेके रखना मैं ये अमेंडमेंट की पीडीएफ रख रहा हूं क्योंकि इस अमेंडमेंट की पीडीएफ में मैंने वन को वैसे का वैसे ही रखा है जैसे कि अल्टीमेटली वन होना चाहिए हेलो मैजिकल नीरज गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो इसमें स्टूडेंट्स पहले ध्यान रखेंगे आप लोग <coughs> जो पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों के लिए है शुद्ध पहले क्या था और अब क्या है थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे आप लोग देखिए असेसमेंट जो हुआ करता था जो कि आप लोग को आइडिया ही है तो भी एक बार ध्यान रखें कि असेसमेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है असेसमेंट पर से वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट एक तो आपका रेगुलर असेसमेंट था और दूसरा आपका है द स्पेशल असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट की अगर मैं बात करूं उट द रेगुलर असेसमेंट तो इसके अंदर क्या चीज था वो आपको बता दू सो फॉर एज रेगुलर असेसमेंट वॉज कंसर्न तो इसमें दो चीजें थी आपकी स्टूडेंट एक आपकी थी वन फोर्टी थ्री की असेसमेंट और दूसरा स्टूडेंट वन फोर्टी फोर का असेसमेंट वन फोर्टी थ्री के असेसमेंट को आप लोग स्क्रूटनी असमेंट भी कहते थे कहते अभी भी हो ये तो वैसे का वैसी है ठीक है तो एक कंसेप्चुअलाइज लेना बहुत जरूरी है। तो ये क्या टॉपिक डिफिकल्ट हो जाती है असेसमेंट प्रोसीजर पेनाल्टीज टॉपिक को अगर आपने धीरज ये इंटरलिंक तरीके से अगर हमने इसको नहीं पढ़ा पढ़ाना छोड़ा तो ये टॉपिक बहुत सर दर्द देना चालू करता है तो हमेशा कंसेप्ट को समझे लेकिन इसको लार्जर पिक्चर में कैसे फिट बैठेगा ये जो पढ़ रहे हो आप उसको समझना बहुत जरूरी है सनी बिल्कुल तो रेगुलर असेसमेंट में दो कैटेगरीज हैं एक 143 का स्क्रूटनी असेसमेंट और दूसरा 144 फोर्टी फोर इज योर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये भी आप सभी लोगों को पता है ठीक है अब देखो जो असली खेल है ये है यहां पर ऑन द राइट हैंड साइड इसके अलावा स्पेशल असेसमेंट हुआ करता था स्टूडेंट्स और स्पेशल असेसमेंट में दो कैटेगरी थे स्पेशल असेसमेंट में देवेर टू कैटेगरीज अब आप पूछोगे दो कैटेगरी कौन से तो एक आपका 147 जो अभी भी है लेकिन नए स्वरूप में आया है विच इज योर इनकम स्केपिंग असेसमेंट इसको हम लोग इन आई में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आई एम जस्ट राइटिंग दिस टू बी एन इनकम स्केपिंग असेसमेंट हज नमस्ते और दूसरा जो स्टूडेंट्स है ये आपका था वो 153 ए से लेके 153 सी तक का वो जो प्रोविजन जो असेसमेंट हुआ करता था इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कृष्णा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्च री वन फोर्टी टू टू जो है कृष्णा वो स्पेशल ऑडिट है वो असेसमेंट नहीं है वो एक तरीके से क्या है आप एविडेंस फाइंड करते हो थ्रू दी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट और उसको आप इस्तेमाल करते हो असेसमेंट के अंदर वो असेसमेंट नहीं है वो एक तरीके से आपने एक पावर एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जिसमें आपको फाइंडिंग्स प्राप्त हुआ मटेरियल्स मिला एविडेंस मिला जिसको आपने इस्तेमाल किया है अपने असेसमेंट में ठीक है नीरज बिल्कुल 153 ए से लेके 153 सी को हम लोग कहेंगे फ्रेंड्स असेसमेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्च इसको कहा जाता है असेसमेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्च ये पुराना हुआ करता था फ्रेंड्स लास्ट ईयर तक इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्च में लिख रहा हूं असेसमेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्च अब क्या है स्टूडेंट्स ये पॉइंट में ये निकल गया है फाइनेंस एक्ट 2021 ने इसको निकाल दिया है और राइटली सो so, उनको लगता है कि यार कुलदीप बिल्कुल सही कह रहे हो जो फाइनेंस एक्ट दो ने क्या पॉइंट रखा है कि भाई जब भी भी एक एक तरीके तरीके से से ही है 153 153 ए टू सी हम क्या करते हैं वही इनकम स्केपिंग असेसमेंट का ही एक स्वरूप है एक अलग स्वरूप है तो जस्ट टू एंश्योर कि ये डुप्लीकेशन बार बार ये चीज बार बार ये डुप्लीकेशन अल्टीमेटली क्या है ये हो रहा है तो इस वजह से अब हमें

और इसके जो प्रोसीजर जो इन सेक्शनों के अंदर जो आपको बताया जा रहा है वो ये प्रोसीजर को ही आपको फॉलो करना है तो दीज आर द प्रोसीजर दैट हैज़ टू बी फॉलोड तो, तो वही प्रोसीजर हमें समझना है कि वही किस प्रोसीजर से अब क्या है असेसमेंट को अंजाम दिया जाएगा वन के अंदर तो जो इनकम स्केपिंग असेसमेंट के अब सारे कार्रवाई सर्च होने के बाद भी अगर मुझको असेसमेंट को अंजाम देना है तो हमें 147 के अंदर ही रह के क्या करना है वो असेसमेंट को अंजाम देना है हमें वन फोर्टी सेवन के अंदर ही रहकर वो सर्च के वजह से जो इनकम स्केप हुई है एस एस सी की उसका असेसमेंट जो कि पहले बिफोर एफ ए ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक अलग हमें ए वन फिफ्टी थ्री सी तक का एक अलग से कोड जो दिया गया था अब वो कोड निकाल दिया है और सारा असेसमेंट अब इनकम स्केपिंग का कहां पर किया जाएगा वन फोर्टी सेवन में किया जाएगा दैट इज अ पॉइंट अब एक चीज नोटिस कर स्टूडेंट्स यहां पे कुछ टर्म्स हैं जो कि 147 में जो पहले लिखा हुआ था वो अब वाले जो 147 में जो है वो अलग है आप लोगों को एग्जामिनेशन में वो टर्म्स को बहुत ही संभल के लिखना पड़ेगा कुछ चीजें होती है स्टूडेंट्स जो कि आपको बहुत संभल के लिखना पड़ता है जैसे कि पहले क्या हुआ करता था बिफोर द अमेंडमेंट हम लोग क्या करते थे ये वर्ड इस्तेमाल होता था वन फोर्टी सेवन में तो जब मैं पहले पढ़ता था बिफोर का जो कैटेगरी है बिफोर में जब पढ़ता था तो ऐसे कुछ पढ़ता था कि वे द इनकम इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स है आर एस सही तरीके से उसको टैक्साजी कर, करेंगे इनकम विच इज द असेसमेंट सॉरी इनकम विच इज अस्केप अल्टीमेटली वर्ड हुआ करता था अब जो अल्टीमेटली स्टूडेंट सब्सटीट्यूट हुआ है वो इनकम सिर्फ इनकम नहीं इन्होंने क्या फ्रेज इस्तेमाल किया और प्लीज नोट करके चलना आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा सिर्फ इनकम लिखोगे विच असेसमेंट मार्क्स नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स आपको लिखना होगा द इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स एंड हेज अस्केप असेसमेंट ये जो चार्जेबल टू टैक्स है ना ये नया फ्रेज आ गया है इनकम चार्जेबल टू टैक्स अब मैं आपको प्रोविजन से ही पढ़ाने वाला हूं लेट्स हैव अ लुक टू द प्रोविजन फिर मैं आता हूं यहां पे देखिए पहले ही फ्रेज में देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स यहीं पर अल्टीमेटली आपको पता चल रही है सिचुएशन क्या बनी हुई है दे आर यूजिंग द फ्रेज इन इफ एनी इनकम व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ एन एसएससी हैज द असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर तो पहले क्या वर्ड हुआ करता था इनकम विच द असेसमेंट फॉर एनी एवाई

वेन द इनकम बिकम्स चार्जेबल टू टैक्स वेन दैट इनकम विल फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम जब वो टोटल इनकम का हिस्सा बनेगा और उस टोटल इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई की जाएंगी तब जाके हम कह सकते हैं दैट द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स चार्जेबल टू टैक्स इन दिस केस तो बहुत जरूरी है कि अब जो अमेंडमेंट अब जो अमेन्डमेंट जिस तरीके से आया है गवर्नमेंट ने वो सारे केसेस को दरकिनार कर दिया है जहां पे आप रीएसेसमेंट 147 का इसके लिए खोलते थे कि इनकम तो है लेकिन वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं भी अगर हुआ है लाइक फॉर एग्जांपल एग्जम्प्ट इनकम पकड़ लो एक एग्जम्प्ट इनकम ही अगर हम पकड़ ले तो वो इनकम वी हैव एस्केप द असेसमेंट बिल्कुल सही है बट वाज नॉट चार्जएबल टू टैक्स तो एओ को वो 147 को रीओपन करने का उसको बहाना मिल जाता था कि चलो यार अल्टीमेटली उसको मैं रीओपन कर दूं और एक बार रीओपन कर दूंगा तो पता चलेगा इसी के आड़ में मुझे बहुत सारे दूसरे कुछ नए इनकम मिल जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ये तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि पेंडेंसी के दरमियान अगर मुझे कोई नया इनकम मिल जाता है तो उस नए इनकम को भी कंसिडर करके मैं अपना वन पास कर सकता हूँ रीअसेसमेंट का ऑर्डर पास कर सकता हूँ तो एओ ने उसी फैक्टर को क्या है उसको आजमाया कि मैं अगर आपका कोई एग्जेक्ट इनकम भी अगर होगा तो उसको भी मैं एक बेसिस बना सकता हूं टू री ओपन प्रोसीडिंग्स ये पहले हुआ करता था अब ये चीजें अल्टीमेटली पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं एज पर द न्यू लॉ न्यू लॉ बोलता है कि नहीं अगर आपको ये प्रोसीडिंग्स शुरू करना है तो जरूरी होगा दैट वॉट इज द इनकम दैट यू यूनिट टू पिकअप इज दैट इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स इसका मतलब ये होगा वो इनकम का टोटल इनकम के अंदर होना जरूरी है और जिसपे आप टैक्स रेट लगाओगे तो अगर ये आपका आधार है रीओपन करने का तब तो जायज है लेकिन सिर्फ इनकम है विच इज एक्चुअली नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट विच इज एक्चुअली नॉट चार्जेबल टू टैक्स तो वो इनकम आपका आधार नहीं बनेगा फॉर द दर्पज ऑफ रीओपनिंग द असेसमेंट तो जैसे मैंने आपको स्टूडेंट थोड़ी देर पहले बताया कि आप प्लीज इस फ्रेज को पकड़ के चलना क्योंकि ये फ्रेज बदल चुका है पहले सिर्फ इनकम देखी जाती थी विच इज अस्के असेसमेंट अब जो देखी जाएगी दैट इज द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड विच इज अस्के असेसमेंट तो चार्जेबल टू टैक्स इज अ की पर्टिकुलर फैक्टर धीरज जो आप ध्यान में रखना क्योंकि तो देखो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वर्डिंग्स हमें अपने वर्ड में लिख सकते हम अपने मन से लिख सकते हैं लिखो ना कोई दिक्कत नहीं है भाई मैं मुझे भी थोड़ा कोई वर्बेटिम याद आता है लेकिन कुछ फ्रेज होती है जो कि आप उसे प्लीज सब्सिट्यूट दूसरे के साथ ना करें कुछ फ्रेज होती है स्टूडेंट्स जो आप दूसरों के साथ नहीं करोगे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हो नेट इफेक्ट तो मैजिकल यही है जो नेट इफेक्ट जो आप बोल रहे हो वो सही कह रहे हो आइए आगे बढ़ते स्टूडेंट्स 147 को हम वैलिड तभी मानेंगे जब वो सारे प्रोसीजर्स 148 से लेके 153 आपने क्या किया है उसको कंप्लाई कर रखा है तब जाके ही 147 को वैलिड माना जाएगा तो अभी भी यही सेम पर्टिकुलर पॉइंट है कोई अलग नहीं है लॉस ऑर द डेप्रिश अस एनीर अलाउंस और डिडक्शन फॉर सच है, इच एसेट ईयर एवरीथिंग स्टूडेंट्स एवरी थिंग स्टूडेंट्स इज समथिंग विच इज टेकन केयर ऑफ तो आपने बस अपने आप को संभालना है इस फ्रेज को लेके इफ एनी इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स ठीक है अब आइए जनाब सबसे बड़े अल्टीमेटली नीरज धीरज अमेंडमेंट की तरफ ये देख रहे हो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन इसको आपको गौर करना है यह वैसे पहले भी हुआ करता था स्टूडेंट ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ करता था एक बार स्टूडेंट पढ़ लेते हैं फिर उसके मैं मैं एनालिसिस करता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला एरिया आ चुका है द द असेसिंग ऑफिसर असेस और रीअसेस इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इश्यू विच इज अस्केप्ड सच इशू कम्स टू इज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इनरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन एट ए हैव नॉट बीन हैथ अब ये 148 एक नया पॉइंट जुड़ गया इस पूरे पूरे प्रोसेस में उसके पहले <coughs> बिल्कुल सही उसके पहले स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये पुराना ऐसा भी होता था और अभी भी वैसी है कुछ फर्क नहीं है पहले भी हम यही करते थे कि अगर मान के चलो स्टूडेंट्स एक असेसमेंट ईयर लेते हैं अपन असेसमेंट ईयर अट्ठारह उन्नीस लेते हैं चलो स्टार्ट करते हैं एक केस स्टडी लेके रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है हमारा अठारह उन्नीस के पास कुछ इंफॉर्मेशन लगा है जिसके आधार पे उसको पता है कि ए वाई अठारह उन्नीस का क्या है इनकम अस्केप हुआ के चलो इनकम को एक नाम दे देते हैं उसने क्या कर दिया कार्रवाई शुरू कर दिया है. अब जब आपने कार्रवाई शुरू कर दिया है रश्मि कोई दिक्कत नहीं बने रहो दिक्कत नहीं हुई नॉट एन इश्यू जब आपने अल्टीमेटली कार्रवाई अल्टीमेटली शुरू कर दी है उस दरमियान फॉर दैट सेम दसेसमेंट इटीन नाइनटीन उसी दरमियान स्टूडेंट फॉर द सेम असेसमेंट इटीन नाइनटीन अब इसको इनकम वाई भी क्या है मिल रहा है अब उसको इनकम वाई भी मिल रहा है असेसमेंट ईयर ध्यान रखना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं असेसमेंट इठारह उन्नीस चल रहा है आपने शुरू किया था फॉर दैट असेसमेंट इटीन नाइनटीन फॉर इनकम एक्स इन बिटवीन जब चल रहा है आपका असेसमेंट तो आपको इनकम वाई भी सामने मिला है विच इज आल्सो परटेनिंग टू द सेम एवाई 1819 और ये कंक्लूड किया जा रहा है कि इसका भी इनकम एस्केप हुआ है फ्रॉम द असेसमेंट तो क्वेश्चन आपके सामने ये आता है क्या कोई नई नोटिस देने का कोई अलग से प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा कि वही सेम प्रोसीडिंग्स में इस इनकम वाई को लपेटा जा सकता है क्या कोई भी नई आपको नया कोई आपको प्रोसीजर या कोई नया नोटिस उस इनकम वाई को असेस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा या सेम प्रोसीडिंग्स में ही उसको अकोमोडेट किया जा सकता है तो उसका आंसर स्टूडेंट्स कृष्णा ये मत वर्ड इस्तेमाल करना कृष्णा ये भी आपने बहुत चीज पकड़ी है मैं आपको बाद में बताऊंगा करेक्ट करूंगा पहले स्टूडेंट्स मेरा आंसर का जवाब दो क्या अलग कोई प्रोसीजर करने की जरूरत होगी या सेम प्रोसीडिंग्स में ही इनकम वाई को अकोमोडेट करके असेस किया जाएगा अलग से कोई कार्रवाई अलग से कोई नोटिस ऐसा कोई देने की आवश्यकता होगी या सेम प्रोसीडिंग्स जो चल रहा है उसी में इनकम वाई को आप अकोमोडेट करके ऑर्डर पास कर दो क्या लगता है स्टूडेंट जल्दी से बता दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या करें अलग से नोटिस दें या सेम वही प्रोसीडिंग्स में इसको कंक्लूड कर लें नीरज मैजिकल तो आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सही बोल रहे हो कि सेम प्रोसीडिंग्स में ही इसको कंप्लीट कर दी जाएगी कोई भी हमें अलग से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक बार आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी योर आंसर अगर ये इनकम वाई जो है वो वाई अठारह उन्नीस का नहीं है ए वाई वो सोलह सत्रह का है या सत्रह अठारह का है तब बताए क्या अब आपको अलग से नोटिस देने की जरूरत पड़ेगी फॉर दैट इनकम वाई जो कि आपको पता चला है डूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसिडिंग लेकिन इनकम वाई किस एवा को रिलेट करता है एवा सेवेंटीन एटीन तो अब क्या आपको अलग से नोटिस देने की आवश्यकता पड़ने वाली है स्टूडेंट टू दैट द आंसर इज येस क्योंकि ये असमेंट इलग है असेसमेंट ईयर अलग है तो इसको उन्होंने एक बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था तो मैंने सोचा कि एक बार आपको पता होगा लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेना ठीक रहता सो इन दैट पर्टिकुलर केस स्टूडेंट्स आंसर इज यस क्योंकि वो अलग एवा को पटेन कर रहा है अब इसमें उन्होंने बोला है स्टूडेंट्स कि भाई उस इनकम वो इनकम जो कि आपको सब्सिक्वेंटली पता चला ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स उसके लिए कोई भी नया प्र, प्रोसीडिंग्स आपको प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हो नीरज तो ठीक है सबसे अब इंपॉर्टेंट आ रहा है ये प्रोसीजर जो 148 ए है वो है क्या उसके पहले कुछ बॉक्सेस हैं हैं देख लेते हैं एक एक बार बार जल्दी से कृष्णा करवा रहा हूं। यहां पे बॉक्स <coughs> है क्या वन फोर्टी सेवन कहता है इफ एनी इनकम चार्जेबल टैक्समेंट फॉर एनी एस एस और और कॉम्प्यूट द लॉस और डेप्रोसिएशन अलाउंस और एनी अदर अलाउंस और डिडक्शन फॉर सच ए वाई तो वो इसको अल्टीमेटली वो एसेस और रिसेस कर रहा है लेकिन प्लीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स क्या फ्रेज इस्तेमाल करोगे इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज द असेसमेंट तो यहां दर एवा फॉर विच द इनकम हेज एस्केप क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स अब ये वर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हो क्योंकि ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है जो एवा जिसका इनकम अस्केप हुआ असेसमेंट और जिसके लिए आप प्रोसीडिंग वन फोर्टी सेवन में करने जा रहे हो उस ए आप किस पर्टिकुलर फ्रेज से अपने आंसर्स में लिखते रहोगे रेलिवेंट मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा वो एवा जिसका इनकम अस्केप हो गया है फ्रॉम असेसमेंट तो दू क्या कर सकता है वन फोर्टी सेवन में अब तो एओ मे एस एस और रीएसएस दी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इश्यू विच एज एस्केप द

कैसे बनेगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए उसके पहले स्टूडेंट प्लीज नोट करना एक बहुत ही नोटेबल चीज चली गई है ने ये सेक्शन से बहुत ही नोटेबल चीज चली गई है सेक्शन से और वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे बढ़ने के पहले आप लोग को समझ लेना चाहिए ऑल ऑफ यू तो ओल्ड वाला जो 147 जो हुआ करता था ओल्ड वाला स्टूडेंट्स ओल्ड 147 में यह हुआ करता था क्या हुआ करता था कि असेसिंग ऑफिसर के पास क्या होना चाहिए रीजन टू बिलीव आर टी बी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि अभी ओल्ड हो चुका है तो पूरा लिखने की कोई बनता नहीं है क्या रीजन टू बिलीव होना चाहिए दैट द इनकम तो फिर बाद में तो सब चीज सेम है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू वॉट बाकी सब चीज ठीक है

क्या स्टेब्लिश करे कि द इनकम ऑफ द असेसमेंट अब ये रीजन टू बिलीव को लेके कृष्णा ये रीजन टू बिलीव को लेके स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो ना कितना बड़ा लिटिगेशन हुआ करता था अब इतने सारे आपके पास आनंद फानंद अल्टीमेटली केस लॉस थे भाई सीएजी के रिपोर्ट को रीजन टू बिलीव मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी अगर ऑडिटर का रिपोर्ट आता है उसके आधार पे पेटी सेवन करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है मतलब इतने इतना सब्जेक्टिविटी आ चुका था कि उसी रीजन टू बिलीव को लेके पता नहीं कितने तो हजारों केस लॉज बने होंगे तो गवर्नमेंट को लगा कि लिटिगेशन खत्म करना बहुत जरूरी है ये वाला फ्रेज की वजह से पता नहीं वो बिलीफ कब होगा और कितना एविडेंस अपने आप में सफिशियंट माना जाए जिसको हम बोल सकते हैं पूरे यकीन के साथ कि हाँ, अब हमारे पास सफिशियंट एविडेंस है जिससे बिलीफ बनता है कि इनकम ऑफ द द असेसमेंट हाउ मच इज इनफ न्यू दिस कितना इनफ है किसी को कुछ पता नहीं है तो इसी को उन्होंने क्या कर दिया ये पूरा फ्रेज न्यू सेक्शन में स्टूडेंट्स ये पूरा डिलीट हो चुका है ये है ही नहीं प्रोविजन बोला, अब नहीं है तो सर इसका मतलब इसका मतलब कि एओ अब इंफॉर्मेशन के आधार पे 147 शुरू करेगा एओ क्या करेगा इंफॉर्मेशन के आधार पे क्या होगा 147 शुरू करेगा ऑब्वियसली उसके लिए उसको सैंक्शन लेना पड़ेगा और तो अब सोचिए गवर्नमेंट का कितना बड़ा दिमाग है देखो इसमें गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि पहले जब रीजन टू बिलीव हुआ करता था तो उस असेसिंग ऑफिसर को 147 की प्रोसीडिंग्स को शुरू करने के पहले उसको एक सैंक्शन लेना पड़ता था फ्रॉम अथॉरिटी सोचो जब मैं हायर अथॉरिटी के पास जा रहा हूं और उसको बोल रहा हूं कि अप्रूव कीजिए तो पूछेगा भाई आपके हाथ आप में क्या लगा हुआ है क्यों करना चाहते हो ये तो पूछेगा पूछेगा तो जब ये एक level, level up, अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेगा तब जाकर ही ए हो जाएगा तो क्यों रीजन टू बिलीव हम लेके अल्टीमेटली उलझ रहे हैं इस सेक्शन को लेके तो उन्होंने लगा कि जब हायर अथॉरिटी से हमें सैंक्शन लेना ही है उसके नजरों से वो सारे इंफॉर्मेशन एविडेंस गुजरना ही है तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि रीजन टू बिलीव इस सेक्शन के अंदर जोड़ दें और एओ को बोले कि एस्टैब्लिश कर तब जाके तू 147 स्टार्ट कर सकता है तो फिर अब उन्होंने क्या कर दिया रीजन टू बिलीव निकाल दिया पूरी तरह से और अब अब क्या करेगा उसके हाथ में कुछ इंफॉर्मेशन है वो कौन से इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट ने उसको भी स्पेसिफाई किया है बहुत खतरनाक अल्टीमेटली नया प्रोविजन बना स्टूडेंट्स कि सब्जेक्टिविटी डिस्क्रिशन जो एओ के हाथ में जो हुआ करता था पूरी तरह से निकाल दिया उन्होंने और अब वो किस इंफॉर्मेशन के आधार पे 147 शुरू करेगा वो भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है तो प्लीज बहुत केयरफुल रहना कि वो किस इंफॉर्मेशन के आधार पे 147 करेगा ये भी उन्होंने बता दिया लॉ में तो वो इंफॉर्मेशन एओ के सामने आएगा वो इंफॉर्मेशन एओ इस्तेमाल करेगा और उसको इस्तेमाल करके सैंक्शन लेके फिर वन अल्टीमेटली क्या करेगा वो वन की शुरुआत करेगा सो फोर नाउ द थिंग्स आर वेरी क्लियर कि कोई रीजन टू बिलीव हमें अल्टीमेटली एओ के सामने देखना नहीं है एओ को एक इंफॉर्मेशन के आधार पे 147 शुरू करना है और वो कौन से इंफॉर्मेशन को वो कंसिडर करेगा वो भी उसने इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है पहले मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दिखाता हूं स्टूडेंट्स और उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेट्स हैव अ लुक टू दैट इंफॉर्मेशन फर्स्ट तो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट देखिए क्या है? इन्होंने यहां पर बता दिया है इंफॉर्मेशन में हम किस चीज को कंसिडर करेंगे तो लीजिए इंफॉर्मेशन की घोषणा आपने कर दी इंफॉर्मेशन की घोषणा स्टूडेंट्स आपने कर दी ये देख लो यहां पे फॉर दी पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 148 फोर्टी एट ए द इंफॉर्मेशन विद जाइएगा बिल्कुल कृष्णा बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये देखिए स्टूडेंट्स देखो कोई भी चीज है ना यहाँ पे हवा में लिखना नहीं है भाई सब चीज जो भी स्पेसिफाई करना है। देखो क्या लिखा है फॉर दर्पज ऑफ सेक्शन 147 तो उन्होंने क्या बोला 147 फोर्टी सेवन की खातिर जो इंफॉर्मेशन भी होगा स्टूडेंट्स देख रहे हो आप लोग फॉर दर्पज ऑफ सेक्शन वन फोर्टी द इन्फॉर्मेशन सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स के प्रोसेस मीन मतलब कि एग्जॉस्टिव कर दिया है एग्जॉस्टिव कर दिया स्टूडेंट्स और कौन सी इंफॉर्मेशन है दो इंफॉर्मेशन बस दो इंट दो चीज दी क्या है पहली वाली चीज एनी इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड इन द केस ऑफ द दी फॉर द रेलोवेंट असेसमेंट इन अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड मतलब कि सीबीडीटी बताएगा और सीबीडी कैसे बताएगा ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है जो कि अल्टीमेटली अपने आप में एक आठवां अजूबा बन के बैठा हुआ है तो वो पोर्टल ही फ्लैग करता रहेगा प्राइमली और दूसरे और तरीके ए के जरिए पता चलेगा तो सीबीडी अल्टीमेटली वो सारे इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली इंटरनल ही क्या करते रहेंगे एओ को पास ऑन करते रहेंगे और वो इन्फॉर्मेशन बनेगा दी बेसिस ऑफ रीओपनिंग 147 मतलब कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैं मतलब कि असेसिंग ऑफिसर हूं तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है एविडेंस या मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए यह इंफॉर्मेशन भी मुझे दे दी जाएगी थ्रू द सीबीडी थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो वो बता रहे हैं उसके आधार पे वो इंफॉर्मेशन मुझे दे दी जाएगी और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे ही मुझे 147 करना है मतलब कि ऐसा नहीं होगा मुझे आपको भी पता है सबको पता है स्टूडेंट कि असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ पावर्स हैं जैसे कि 133 वाला पावर 131 वाला पावर और ये पावर देख के ना असेसिंग ऑफिसर अल्टीमेट उसको रहा नहीं जाता क्योंकि ये इतने वाइड पावर है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है ये इतने वाइड पावर है स्टूडेंट्स कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है 133 का नोटिस 131 के नोटिस अपने आप में बहुत वाइड पावर देते हैं असेसिंग ऑफिसर को तो मन में तो अल्टीमेटली बहुत से उमंग उसको जागते होंगे कि यार 133 एक्सरसाइज कर लो 131 थर्टी वन कर लो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस जिससे यह पता चल सकता है कि द इनकम ऑफ द दी चार्जेबल टू टैक्स हैज असेसमेंट लेकिन नहीं वो इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर आपने 147 की कार्रवाई करने की कोशिश की तो एओ आपका प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएगा जो इंफॉर्मेशन जिसके आधार पे आपको 147 स्टार्ट करना है वो इंफॉर्मेशन यही सेक्शन के अंदर दिए गए हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट फिर से देखो वो इन्फॉर्मेशन जो कि फ्लैग किया गया है थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड वादी बोर्ड और दूसरा ये सीएजी के द्वारा जो फाइनल ऑब्जेक्शन जो सीएजी ने जो फाइनल ऑब्जेक्शन रेज किया है वो फाइनल ऑब्जेक्शन ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फाइनल ऑब्जेक्शन क्योंकि क्या होता है कि सीएजी इंट्रीम ऑब्जेक्शन भी रेज करता है सब्जेक्ट टू द फाइनल रिपोर्ट जैसे कोल एक को, को, कोल इसमें बहुत सारे उसने इंट्रीम अपने ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे तब तक, तक के लिए क्या किया था कि स्टे लग गया था तो एंट्री में ये चीज रखना पूछे जाएंगे आपको तो फाइनल ऑब्जेक्शन है ऑफ द एजी उसके आधार पर अल्टीमेटली वो 147 की कार्रवाई शुरू कर सकता है इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं अभी फिलहाल को पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन आपको ये बस बता देता हूं कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ इन्होंने कुछ डीम्ड इंफॉर्मेशन की जानकारी भी दी है तो ये दो प्लस डीम्ड इंफॉर्मेशन ये दो प्लस डीम्ड इंफॉर्मेशन यही यही पर्टिकुलर आपको कंसिडर करना है एओ को करना फॉर दी कर्पज ऑफ स्टार्टिंग दोसिडिंग ऑफ सेक्शन 147. इन्हीं दो को कंसिडर करना है किसको कंसिडर करोगे स्टूडेंट्स बताओ किसको कंसिडर करोगे इंफॉर्मेशन एंड डीम्ड इंफॉर्मेशन इन्हीं को कंसिडर करते हुए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है 147 की शुरुआत करना है अब देखते हो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली चलो ये इंफॉर्मेशन में पैक कर दिया एओ को मतलब जो उसकी उमंग थी कि यार मैं 131 या 133 से कुछ इकट्ठा कर लूंगा और उसको आधार बनाऊंगा फॉर दी पर्पस ऑफ दी प्रोसीडिंग 147 आप वो नहीं कर सकते हो अच्छा अब ए क्या करेगा यहां पे ध्यान रखो आप फिर से पढ़ेंगे 148 ए नया सेक्शन है इस पूरे 147 के अंदर दी असेसिंग ऑफिसर हैज टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप

रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के तहत बोर्ड ने कुछ जानकारियां दी है अब वो जानकारियां मेरे हाथ लगी है लेकिन मैं मैं उस ये, वो जानकारी के आधार पे मुझे नहीं लगता या मैं श्योर नहीं हूं कि एससी का इनकम अस्केप हुआ है फ्रॉम दस एस सी का इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स असेसमेंट आई एम नॉट डेट श्योर तो उसके लिए क्या वो चाहता है कि मैं एक बार इंक्वायरी करके देखूं अब आप बोलोगे सर इंक्वायरी कैसे करेगा तो इंक्वायरी करने के लिए एओ के पास अपने प्रोविजन हैं जैसे कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 131 133 लेकिन प्लीज नोट करके चलना ये मैंडेटरी नहीं है इफ रिक्वायर्ड तो अगर जरूरत होगी तो और इसी वजह से ये टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है एओ टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है इसी वजह से यहाँ पे अप्रूवल वाला पॉइंट अलग है कि आपके मन में उमंग जाग रहा है कि वन थर्टी वन वन थर्टी थ्री कर लू तो पहले अप्रूवल लीजिए अगर हायर अथॉरिटी को लगेगा कि हां वाकई में ये कोई केस बन रहा है कि भाई उसको इंक्वायरी फर्दर थोड़ा कर लेना चाहिए तब जाके ही 147 ठीक रहेगा अगर वो सैंक्शन करते हैं तो आप 131, 133 कर लो अदरवाइज आपको नहीं करना है ये सारे नोटंकी वाले सेक्शन में जो आप टाइम पास करते थे अब तक तो ही विल हैव टू ही कैन कंडक्ट एन इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड बट विद दी प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी की वो जो इंफॉर्मेशन जो उसके हाथ में लगा है क्या वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है विच इज एस्के असेसमेंट दैट इज पॉइंट नंबर वन बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा पॉइंट नंबर बी देखना अभी आप लोग पॉइंट नंबर बी आप लोग देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 148 की प्रोसीडिंग बहुत ही तुरंत जानदार प्रोविजन है थोड़ा सा समझना जल्दी से पकड़ लेंगे पूरा थीम क्या है 148 ही क्या चीज है अब वो क्या करेगा पॉइंट नंबर बी में चलो दो चीजें हो सकती है पॉइंट नंबर बी के आने के पहले उसके हाथ में तो इन्फॉर्मेशन लगा है या तो वो इन्फॉर्मेशन को फर्दर इंक्वायरी कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन को लेके कि वाकई में जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो सजेस्ट करता है कि इनकम विच चार्जेबल टैक्सिप्ड असमेंट या फिर वो इंक्वायरी ना नहीं करे तो आइदर ही कैन डू द इंक्वायरी और ही विल नॉट डू द इंक्वायरी दो में से एक ही है या तो इंक्वायरी करेगा या तो इंक्वायरी नहीं करेगा ठीक है लेकिन इन्फॉर्मेशन हाथ में लगा हुआ है

147 क्यों ना करें अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स बताइए कि ये जो शो कॉज नोटिस एओ देने वाला है टू दी एस ये जो शो कॉज नोटिस एओ देने वाला है टू दी एस क्या इस शो कॉज नोटिस के अंदर उसे वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने पड़ेंगे या नहीं जिन्होंने ओल्ड लॉ पढ़ा रहेगा वो थोड़ा कनेक्ट करते होंगे कि ये क्वेश्चन किस एंगल पे जा रहा है मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन ये है कि ये जो शो का नोटिस एस एस सी को देगा उसमें क्या उसे इंफॉर्मेशन जो उसके हाथ लगा हुआ है क्या उसे वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बताइए वेदर ही विल हैव टू डिस्कलोज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और नो कुलदीप मैजिकल बताइए स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि पिछले लॉ के अंदर कुछ बातें थी जो कि आपके संज्ञान में है मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए कि ये जो नोटिस देने वाला है वन फोर्टी एट ए का एस एससी को उस नोटिस के अंदर क्या उससे यह बताना होगा कि इसके हाथ में वो क्या इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पे वो 147 करना चाहता है नीरज सनी धीरज स्टूडेंट्स फिर से पढ़ी आप लोग बी पॉइंट नंबर बी पढ़ते रहे उज्जवल अनमोल पॉइंट नंबर बी आप लोग बार पढ़ ले एक बार पॉइंट नंबर बी पढ़ लेना मैं finally अब conclude करने जा रहा तीस सेकंड में पढ़ लो तीस सेकंड में जल्दी से कृष्णा तीस सेकंड में पढ़ लीजिए मैं आपको बताता हूं कुछ रोमांचक कहानियां <laughs> नितिन चलिए फ्रेंड्स होपफुली सबने पढ़ लिया था अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स आप लोग किस चीज से प्रभावित हो किस चीज से प्रभावित हो मैं आपको बताता हूं आप लोगों ने जो पुराना लॉ था स्टूडेंट्स उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था जीके ड्राइव शर्फ का केस था वो उसमें उन्होंने बाकायदा आपको प्रोसीजर बताया था जीके एंड्राइव के केस में प्रोसीजर आपको बताई गई थी उसमें यह बताया गया था कि पहले आप नोटिस दो वन फोर्टी एट के अंदर और वो नोटिस देने के बाद एस एस सी से उसका रिटर्न मंगाओ रिटर्न मंगा लो उसका और रिटर्न फाइल करने के बाद अगर एस एस सी इंसिस्ट करे कि वो रीजन क्या है जिसके बेसिस पे आपने 147 शुरू किया है होगा. लेकिन, कब? करने के बाद. लेकिन यहां पर अब क्या होगा अब आप सोचो स्टूडेंट्स मैं वन ए का नोटिस दे रहा हूं एस को ठीक है और आप बोल रहे हो कि सर इन्फॉर्मेशन मत बताना उससे नोटिस के अंदर वन नोटिस में आप मत बताइए इंफॉर्मेशन तो ठीक है मैं इंफॉर्मेशन नहीं बताता अगर आप लोगों का डिमांड है कि सर इन्फॉर्मेशन मत बताइए प्लीज नहीं तो वो सचेत हो जाएगा तो ठीक है फिर नोटिस क्या लिखूंगा मैं मैं आप ये सोचो ना फिर नोटिस क्या लिखूंगा मैं ऐसा नोटिस लिखूंगा बताइए शो को नोटिस दे रहा हूं आपको अपॉर्चुनिटी आप दे रहा हूं क्या बोल के कि बोल, मैं आपको शो को नोटिस दे रहा हूं कि मैं आप पे 147 क्यों ना करूं एस बोलेगा भाई क्यों ना करूं मतलब क्या है भाई क्यों करना आपको नहीं नहीं मैं वो बताऊंगा नहीं आप बताओ मैं वो बताऊंगा नहीं अभी फिलहाल अल्टीमेटली लेकिन आप बताओ मुझे कि मैं आप पे 147 क्यों ना करूं अरे भाई क्यों क्यों ना ना करूं करूं तो करू? का मतलब है तो बताओ क्यों करना चाहते हो एसएससी तो वो पूछेगा क्यों करना चाहते हो ये वो बोलेगा नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा आप बताओ कि मैं आप पे असेसमेंट क्यों ना करूं तो एसएससी भी थक जाएगा अरे करना तो फिर कर लो अल्टीमेटली जब करना है तो फिर कर ही लो अल्टीमेटली जब मन बनाई लिया है तो फिर आप रोकने से भी कहां रुकने वाले हो असिंग ऑफिसर आप रोकने से भी कहां रुकने वाले हो कर लो फिर यही होगी गुफ्तु होगी और क्या होगी वो पूछेगा क्यों ना करूं तो अससी बोलेगा क्यों करोगे तो वो नहीं नहीं भाई क्यों ना करूं वो बोलेगा क्यों करोगे तो भाई इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी तब जाके ही तो वो सामने आएगा

क्यों ना करूं वो पूछेगा क्यों करोगे तो यही गुफ्तगु चलती रहेगी फिर तो ऐसे केस में ये देखो सबसे बड़ा चेंज फ्रॉम दी ओल्ड लॉ ये हुआ है कि यहां पे 148 फोर्टी एट ए के नोटिस में आपको मिस्टर एओ को वो इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के तहत या फिर दो दूसरे पॉइंट्स हैं उसके तहत हमें ये इंफॉर्मेशन हाथ लगी है अब बताइए कि हम आप पे ये 147 की कार्रवाई क्यों ना करें तो अब एसएससी अपने के जरिए आएगा सामने और अपना एक्सप्लेनेशन देगा नाउ ही इज गोइंग टू गिव द एक्सप्लेनेशन तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि देखो क्या होगा दिस नोटिस में ये चीज लिखा हुआ ना यहां पे और कितने टाइम के अंदर अंदर देना होगा यहां पे देखो वापिस से पढ़ेंगे सब लोग साथ में स्टूडेंट्स

तो देखिए हर्षल ऐसा अगर आप रिलेटिव ये देखें चलो एक क्वेश्चन आया है काफी स्टूडेंट्स लोग भी मुझे पूछो तो चलो एक मिनट का टाइम लगूंगा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर जल्दी से बता देता हूँ इलेक्टिव को लेके काफी स्टूडेंट्स में हलचल मची हुई है कि जो स्पेसिफिकली जो ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में कन्वर्ट हुए हैं कि इलेक्टिव क्या लें स्टूडेंट देखो मैं ये देख देखो एक चीज है इंटरनेशनल टैक्सेशन लूँ कि इकोनॉमिक लॉ लूँ या कोई और इलेक्टिव लूँ आप कोई भी इलेक्टिव इलेक्टिव ले लो स्टूडेंट्स ये चीज तो पक्का है कि कोई भी इलेक्टिव लोग इतना है कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए ये पकड़ के चलना फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं कि कोई चीज आसान आ रही है तो हमेशा आसान होती है क्योंकि को पता है कि अब देखो जैसे कि होगा ना इलेक्टिव सब इलेक्टिव मैक्सिमम अभी इस बार जो लग रहा है बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर पेपर इकोनॉमिक लॉ में ज्यादा होगा सही बात है क्योंकि परफॉर्मेंस लास्ट टाइम पे इकोनॉमिक लॉ के स्टूडेंट्स के अच्छे थे पेपर भी उस तरीके से था लेकिन जब बड़ा एक अल्टीमेट तबका आता है ना तो आईसीआई वहां पर अपना कहर अल्टीमेट डालता है तो आपका जो सिलेक्शन होगा इलेक्टिव का मेरे हिसाब से तो देखो ये नहीं होना चाहिए आईसीआई बराबर नजर रखता है सब चीजों को लेकर कि ये इलेक्टिव में बहुत ही मामूली बच्चे आए हुए हैं इसमें बहुत बड़ी तादाद हमें दिख रही है तो ये सब चीज को कंसिडर करके फिर अल्टीमेटली अपना पेपर रखते हैं लेकिन कोई भी इलेक्टिव आप लो स्टूडेंट्स मेरा आपसे मानना एक है ना उसको अच्छे से अल्टीमेटली आपने पढ़ना है और आपको उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना है क्योंकि ओपन बुक है तो बाहर करने की जरूरत नहीं होगी आप लोग बस ध्यान रखें कि क्या करो कि जो केस स्टडी आईसीआई का जो बनता है ना उसको जल्दी से आप लोग एक बार गो थ्रू कर लें मेरे हिसाब से अगर आपको लगता होगा कि अभी फिलहाल सर रिस्क फैक्टर ज्यादा है मैंने ग्रुप वन में ये कर लिया होगा तो आप इकोनॉमिक लॉ ले लें या कोई और भी इलेक्टिव जो आपको लेना होगा आप वो लेके कंसिडर कर लें आप पास्ट के दो तीन पेपर देख लो एक बार जल्दी से तो आपको अगर लगता है कि नहीं वो ठीक ठाक मुझे लग रहा है तो अकॉर्डिंगली यू कैन गो विद दैट नो हार्ड एंड फास्ट रूल ठीक है लेकिन प्लीज़ नोटिस करना पेपर को ऊपर से हवाइया या पढ़ाई नहीं होगी चाहे कोई भी इलेक्टिव हो फिर क्योंकि ऐसी आई इस चीज़ को अच्छे तरह से समझता है मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ को और जहाँ उसको लगा कि यहाँ पर तादाद बढ़ गई है वो पेपर अल्टीमेट समझ जाना फिर और ये चीज़ उसके उनके संज्ञान में है तो बस जो भी करो अच्छे से करो कोई ऐसा बायस नहीं क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया और वो इलेक्टिव अगर टफ हो गया तब तो अल्टीमेटली फिर मुझे छुपना पड़ेगा स्टूडेंट्स तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा मेरा बस इतना ही मानना है इलेक्टिव को लेके स्टूडेंट्स कि इलेक्टिव आप अपना देखो टाइम का कंस्ट्रेंट भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना और कितनी तेजी से आप कोई इलेक्टिव को ख़त्म कर सकते हो तो वो सारे फैक्टर्स को देख के आप ये करना और बायसनेस भी अगर चलो टाइम की मजबूरी अगर आपकी है तो कोई भी इलेक्टिव आप लेके उसको खत्म कर लो खत्म करना उसको इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ में अपनी प्रैक्टिस भी उसको साथ में करके उसको क्लोज कर लो आप लोग कंसेप्ट बस ध्यान रखना स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए बस वही एक फैक्टर है और कुछ फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से तो वही फैक्टर प्ले करता है ठीक है तो दैट इज वन थिंग विच यूड बी देर टू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग आप अपना अल्टीमेटली दे विवेक इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स इलेक्टिव को लेकर और कंस्टेंट्स को भी देखें कि कंस्टेंट्स में आप किस कंस्टेंट में घिरे हुए हो उसको सब चीज को देख के फिर आप फायर अपना कंक्लूजन डाल दें ठीक है और फिर उस हिसाब से अल्टीमेटली एक बार सोच लिया अल्टीमेटली ऊपर वाले का नाम ले लो अल्टीमेटली गो एट गो फॉर किल बाद पीछे देखना है फिर सेल्फ डाउट वाली बात होती थी ले लिया तो ले लिया अब जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहाँ वो हिसाब किताब होगा ठीक है अब आगे आते पॉइंट नंबर सी अब SSC को अपॉर्चुनिटी दिया एस एस अपना रिप्लाई फाइल करेगा वो तो देना ही पड़ेगा कोई बेकूफी होगा जो रिप्लाई फाइल ना करे तो ये चलो ठीक है अब उसके बाद देखो डिसाइड करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको स्टूडेंट्स एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा आप सब लोग कॉपी करेंगे इस चार्ट को एस एस सी को अब डिसाइड करना पड़ेगा किस आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल विच आर अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द रिप्लाई ऑफ द दी तो बताइए कौन सा मटेरियल उसके हाथ में पहले तो वो इंफॉर्मेशन जो उसको आया होगा जो कि स्पेसिफाइड है जो इन्फॉर्मेशन जो उसको मिला है ठीक है दूसरा वो इंफॉर्मेशन में अगर तो उसने इंक्वायरी की होगी अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी नहीं इंक्वायरी अगर तो उसने इंक्वायरी की होगी तो इस इंक्वायरी से कुछ एविडेंस मटेरियल मिला होगा और तीसरा अससी का रिप्लाई तो दो या तो तीन दो क्या होगा इंफॉर्मेशन एंड अससी रिप्लाई तीन किस केस में होगा इन्फॉर्मेशन और उसकी शायद अपनी इंक्वायरी हुई होगी जिससे मटेरियल मिला एंड द द रिप्लाई ऑफ तो दो और जिसके आधार पे अब वो ये देखेगा कि वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इशू द नोटिसन फोर्टी एट वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इशू द नोटिस अंडर एट तो ये भी उसे पास करना पड़ेगा बाय एन ऑर्डर मतलब कि ये ऑर्डर पास करने वाला है ये ये चीज को कंक्लूड करने के लिए कि उसको 147 करना है या नहीं तो अब आप सोचो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो अब ये ऑर्डर पास करेगा चलो अगर उसने ऑर्डर पास कर दिया मान के चलो स्टूडेंट अगर उसने ये ऑर्डर पास कर दिया कि उसको 147 करना है तो उसके लिए फिर वो वन का नोटिस देगा अब वन अगर उसको करना है तो उसका मतलब ये होगा कि उसको वन का नोटिस देना है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब 148 का नोटिस देगा 147 करने के लिए तो अब बकायदा वो 147 की शुरुआत कर रहा है तो अब ये 148 ए में फिर कर क्या रहे थे आप आप 148 ए में एक प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स को आपने कंडक्ट किया है ये प्रोसीडिंग्स के पहले प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स के पहले प्रोसीडिंग्स आप बोलोगे ये प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स आपने की है बिफोर दी मेन प्रोसीडिंग्स और ये प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स क्या थी ये शुरू हुई थी केस कैसे शुरू हुई थी शो कॉज नोटिस के जरिए और यह खत्म हुआ था थ्रू एन ऑर्डर थ्रू एन ऑर्डर और ऑर्डर क्या हो सकता है यह ऑर्डर दोनों जगह जा सकता है दो जगह क्या है कि यह फिट केस है फिट केस किसके लिए फिट केस फॉर वन फोर्टी सेवन है और दूसरा होगा कि नहीं ये फिट केस नहीं है नॉट अ फिट केस तो यह ध्यान रखना है यहां पर नॉट अ फिट केस तो शो नोटिस से उसने प्रोसीडिंग शुरू की नीलेश प्रोसीडिंग शुरू की प्रोसीडिंग शुरू हुई स्टार्टेड और कैसे प्रोसेडिंग कंप्लीट हुई प्रिलिमिनरी बाय ऑर्डर प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई ऑर्डर के जरिए और कंक्लूड किया कि फिट केस है या नहीं अब आप सोचो स्टूडेंट्स कि ये ऑर्डर उसको पास करना जरूरी क्यों हो जाता है ये ऑर्डर उसको पास करना जरूरी क्यों है क्योंकि अगर तो ये एसएससी को लगता है कि यार मैंने इतना शानदार एक्सप्लेनेशन दिया है और तब भी इसने तो मन बना लिया था इससे वैसे बेवकूफ बना रहा है हमको इसको तो पहले से ही पता था कि यार क्या करूं तो करना पड़ेगा तो मैंने 148 किया लेकिन मैंने तो इसको अल्टीमेटली में अटकाना ही था था इसने पहले ही मन बना के रखा था। इतना शानदार एक्सप्लेनेशन होने के बावजूद भी इसने वन फोर्टी सेवन में मुझ पर कंटेक्ट कर ही दिया तो मैं इस 147 फोर्टी को जो शुरू उसने किया है उसको मुझे चैलेंज करना है तो कैसे चैलेंज करेगा एस कैसे चैलेंज करेगा एस चैलेंज करेगा बाय ये जो ऑर्डर पास हुआ है इस ऑर्डर को अल्टीमेटली चैलेंज करेगा तो ये 148 ए मैं 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 करता हूं, करता हूं हूं ब्लैंक ब्लैंक में में करूंगा बस अभी क्या ना थी, ये मुझे प्रोविजन दिखाना था इस वजह से मैंने यहां पे लिख दिया अदरवाइज मैं ब्लैंक में करने वाला हूं अभी ये 148 ए प्लीज नोट करके चलना इसमें ऑर्डर इसके लिए पास करना है स्टूडेंट्स क्योंकि एस अगर उसे लगता है कि नहीं मेरा एक्सप्लेनेशन के बाद कोई केस बनता नहीं है 147 करने का तो ऐसे केस में आपका ऑर्डर 147 के फिट केस घोषित करने वाला ऑर्डर ये बिल्कुल नाजायज है तो इस वजह से क्या एससी इस ऑर्डर को अपील कर सकता है वेदर दी एस कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर एंड आंसर इज यस ही कैन बिल्कुल कर सकता है स्टूडेंट्स ये वो अपील फाइल कर सकता है अगर उसको लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद ये कोई वजह बच नहीं जाती है एओ को 147 शुरू करने के लिए तो ऐसे हालात में वो केस में एओ एस क्या कर सकता है इस 148 ए के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है आर यू क्लियर विद दिस वन ये सारे ना एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा स्टूडेंट्स ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो एमसीक्यू में इस्तेमाल होंगे दूसरा केस अगर उसने ऑर्डर पास किया कि नहीं ये फिट केस नहीं है इफ ही पासिस ऑर्डर स्टूडेंट्स दैट इट इज नॉट अ फिट केस तो इससे कौन नाराज हो सकता है जबकि ये एक्चुअली फिट केस था लेकिन एस ने बोला कि आप हमें संभाल लो हम आपको संभाल लेंगे अभी तो वैसे तो मुमकिन नहीं है फेसलेस में लेकिन तो भी तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स अगर तो ये फिट केस था लेकिन आपने ऑर्डर पास किया वन ए में ये बोल के कि फिट केस नहीं है तो फिर बताओ ऐसे केस में क्या होगा वो ऑर्डर पे कोई कार्रवाई होगी बिल्कुल हो सकती है उस पर कमिश्नर टू में बैठ जाएगा 263 के अंदर कमिश्नर रिविजनरी पावर एक्सरसाइज कर सकता है और वहां पे रिविजनरी पावर एक्सरसाइज करके ये एओ के ऑर्डर को, को रिवाइज कर सकता है दट ऑर्डर ऑफ एरोनियस एंड इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये ऑर्डर पास करना जरूरी है आपको ना ये वन दो तीन सेक्शन ही इसमें बस ठीक से समझना है बाकी वो सारे पुराने चीज को यहाँ पे डाला गया है सिर्फ दो तीन सेक्शन को ही आपको ठीक से समझना है स्टूडेंट्स इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूं ताकि किस लेवल पे ये नए चीजों पर क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपको तो पता ही है कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हाल फिलहाल आ रहे हैं तो यू जस्ट के नॉट टेक एनी चांस तो अब स्टूडेंट्स चलो अब हम चालू करते हैं मान के अब चलते हैं कि स्टूडेंट्स ये एओ ने फिट केस घोषित कर दिया एओ ने ये फिट केस घोषित कर दिया फॉर दी पर्पस ऑफ 147 तो अब 147 शुरू किया जाए तो चले स्टूडेंट्स 147 की तरफ लेकिन रुक जाइए अभी मैंने क्या बोला कि 147 करने के लिए 148 ए का देना जरूरी है नोटिस प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग्स पहले कर लिया जाए ये पता लगाने के लिए वेदर इट इज fit फिट केस ऑफ वन फोर्टी सेवन और नॉट लेकिन लेकिन, लेकिन यहां पे, <coughs> पे दो केसेस ऐसे हैं जहां पे वन फोर्टी एट ए आपको नहीं करना है देर आर टू केसेस वेर वन फोर्टी एट ए आपको नहीं करना है वो प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स आपको कंडक्ट नहीं करना है और वो दो केसेस कौन से होंगे एक है सर्च का और दूसरा है रिक्विजिशन का अंडर सर्च का और दूसरा है किसका स्टूडेंट्स रिक्विजिशन का देखिए स्टूडेंट्स नॉन एप्लीकेबिलिटी अब मैं आपको स्टूडेंट्स थोड़ा सा फिर से पुराने प्रोविजन में लेके जाना चाहूंगा ताकि आपको अच्छी सी लिंकिंग बने थोड़ा सा मैं पुराने प्रोविजन में फिर से जा रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि आपकी थोड़ी सी लिंकिंग एस्टेब्लिश हो इस बात को लेके प्लीज एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स पहले क्या होता था अर्लियर और अब क्या हो रहा है वो आप लोग उसको ही खुद समझ लोगे कि क्या हुआ है असली में पहले इस सिचुएशन में ये होता था कि सर्च अगर हो जाए ना थर्टी टू यान देर इज एन थर्टी टू यान थर्टी टू ए सर्च अगर हो जाए उसके बाद क्या होता था स्टूडेंट्स असेसमेंट होती थी और ये जो असेसमेंट है ना ये कहते थे हम लोग इसको क्या कहते थे दिस वी वीज टू रेफर दिस एज

कोई ऑप्शन नहीं रहता है मैंडेटरीली उसे ये असेसमेंट करना ही पड़ता है एंड दैट इज द रीज़न दिस इज अ मैंडेटरी असेसमेंट आपको करना ही पड़ेगा तो इसी वजह से ध्यान से देखना friends, कि इसी वजह से इन्होंने ये लॉ बता दिया है कि अगर सर्च कंडक्ट हुआ है अगर तो सर्च कंडक्ट हुआ है, या रिक्विजिशन के तहत हमें वो जानकारी या इंफॉर्मेशन मिली है सर्च कंडक्ट हुआ है, या रिक्विजिशन के जरिए हमें वो जानकारी मिली है तो क्या कोई केस रह जाता है डिसाइड करने के लिए कि मुझे असेसमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या उसका कोई केस रह जाता है आंसर इज नो आपको असेसमेंट स्टूडेंट्स करना ही पड़ेगा आपको तो असेसमेंट करना ही पड़ेगा तो ये 148 ए वाली जो प्रोसीडिंग्स, जिसमें डिसाइड अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग केयरफुल रहिएगा ये पॉइंट ए बी और सी मैं समझा देता हूं आप लोग उसको बाद में पढ़ भी लेना लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूं ध्यान से सुना एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे मान के चलो स्टूडेंट्स सर्च मेरे यहां पे हुआ है ऐसा कभी ना हो स्टूडेंट सर बिल्कुल आपकी दुआएं स्टूडेंट साथ पे नहीं, तो कभी नहीं हुआ तो सर्च अल्टीमेटली स्टूडेंट्स अभी के लिए फिलहाल मान के चलो कि सर्च मेरे यहां पे हुआ ठीक है अब मेरे यहां पे सर्च हुआ है और आपकी कुछ बुक्स अल्टीमेटली मेरे यहां पर पाई गई बोल सर अभी तो हमने दुआएं दी है कि आपके यहां आप पर नहीं और आपने हमें अटका दिया वो जाएंगे तो और दोनों साथ में जाएंगे इट साथ में नहीं, नहीं भावे कभी तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स अब आप सोचो कि मेरे यहां पे सर्च हुआ है कुछ बुक्स या कुछ मटेरियल्स जो आपकी है वो मेरे यहां पे पाई गई है स्टूडेंट्स मेरे यहां पे पाई गई है तो क्या होगा ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या वो बुक्स और मटेरियल्स सर्च की टीम आपको लौटा देगी क्या ये बुक्स और मटेरियल्स सर्च की जो टीम है क्या ये आपको लौटा देगी कि लीजिए भाई क्यों रखते हो अल्टीमेटली बेकार में मर फंसना है क्या आपको ऐसा कुछ होगा कि आपको लौटा देगी आपको नहीं लौटाएगी स्टूडेंट्स ये बुक्स और ये मटेरियल आपके असेसिंग ऑफिसर के हाथ में लगने वाला है स्टूडेंट्स अब एओ के हाथ में लगा ठीक है मैं तो जाने वाला ही हूं स्टूडेंट्स मैं तो जाने वाला ही हूं वन में और वन की कोई भी इंक्वायरी मेरा एओ मुझ पे नहीं करेगा सीधा वन स्टार्ट कर देगा मुझ पर सीधा 147 फोर्टी सेवन मुझ पर स्टार्ट कर देगा आपका क्या होगा जनाबे बताइए आपका क्या होगा क्या आपको आपका एओ मौका देगा 148 फोर्टी एट ए का क्या आपका एओ आपको मौका देगा 148 फोर्टी एट ए का बताइए स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस बन जाए तो बात बन जाए स्टूडेंट्स बताइए क्या आपका एओ आपको मौका देगा चलो इतना संग दिल भी नहीं हूं स्टूडेंट्स आपको एक मौका देता हूं पढ़ो ए बी सी और बताइए क्या आपका एओ आपको 148 ए का मौका देगा या नहीं मेरा एओ तो देगा नहीं मुझे सीधा 147 फोर्टी सेवन ए वन फोर्टी सेवन में, में प्रोसीडिंग शुरू कर देगा लेकिन आपका एओ क्या आपको 148 ए का मौका देगा एबीसी पढ़ लो बताइए पसी नहीं छूट रहे चलो अगले टाइम से एग्जाम्पल बदल दूंगा मत छोड़ंत <coughs> आंसर दीजिए डर डर के क्यों पढ़ रहे हो पढ़ो जल्दी से और आंसर दो डरो मत जब तक मैं जिंदा हूं स्टूडेंट्स आपको जेल में जाने नहीं दूंगा सो नॉट एनी मौका अभी आप अभी सब लोग अल्टीमेट निर होके बैठे हैं ना कि स्टाइपेंड के जमाने में हम ढेर लेंग कर लेंगे दो दो हाथ इज इट स्टाइपेंड के जमाने में चल रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग वक्त बदलते देर नहीं लगता स्टूडेंट्स वक्त बदलते देर नहीं लगता ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी जीनेस लेकिन भाई कंसेप्ट को तो पकड़ के चलना पड़ेगा आपको टेक्निकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ कुछ जगह पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था इनकम चार्जेबल टू टैक्स वो कुछ फ्रेजेस को थोड़ा सा केयरफुल रहना ये जो नॉन एप्टिविटी आप अपने वर्ड में लिख सकते हो तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स क्या बोला गया है पॉइंट नंबर ए में तो मेरी वो बात कर रहा है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर ए में वो मेरी ही बात कर रहा है आपने नोटिस किया पॉइंट ए में उसने मेरी बात कही बोल हमारी बात कहा है मेरी बात है? आई पॉइंट नंबर ए में

एस एस सी मतलब कि सर्च हुआ है अब मुझे एनी अदर पर्सन बोल रहे हो सर्च हुआ है इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन बिलोंग्स टू अब एस एस सी कौन है अब एस एस सी है चुन्नी बाबू कौन है चुन्नी बाबू आप हो अब SSC कौन है यहाँ पे तो सर्च हुआ है देखो लैंग्वेज पकड़ना फ्रेंड्स द असेसिंग एसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड प्राइमरी ये किसका असेसिंग ऑफिसर सेटिसफाइड है आपका असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि ये जो सर्च जो किसी और व्यक्ति के घर पे हुआ था प्रोमाइसिस में हुआ था वो और कौन है और कोई नहीं है आपका टीचर स्टूडेंट तो इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन बिलोंग्स टू यू ये उसके घर पे पाया गया है वो सब चीज किसको बिलोंग करता है आपको बिलोंग करता है आपको बिलोंग करता है तो क्या उस केस में 148 ए एप्लीकेबल होगा प्राइमली 148 ए आपके केस में क्या बिलोंग होगा कुछ नहीं बिलोंग होगा पता चला स्टूडेंट्स थैंक यू जिनेश पता चला आपको स्टूडेंट्स एंड आंसर इज नो नहीं मिलेगा आपको 148 ए सीधा आप पे भी 147 की कार्रवाई होगी ठीक है सी पॉइंट अगर आपको बस समझाना है तो स्टूडेंट्स एक ही है बिलोंग एंड परटेन्स बस यही फर्क है अगर आपको समझना है तो बस बिलोंग और पर्टिन का केस है। ये इसका में क्या? बस फरक आपको याद है सी में आपने क्या किया है आपको तो फोटो कॉपी अल्टीमेटली हम तो सर फोटो कॉपी वाले हैं तो फोटो कॉपी आपने मेरे घर पर रख दी सीए की किताब नहीं कुछ इंक्रिमिनेटिंग जिस पे पता चलता है कि कुछ आपके ऐसे इनकम हैं जो कि चार्जेबल टू टैक्स थे, है, टैक्समेंट तो वो बया करता है कुछ फोटोकॉपी मटेरियल्स के बुक्स की फोटोकॉपी होते ना वो मेरे घर पे पाए गए तो क्या फोटोकॉपी के आधार पे भी क्या आप पे मुसीबत आ सकती है बिल्कुल आ सकती है मुबारक हो आप पे 147 अल्टीमेटली हो जाएगा बिना 148 ए के बिना 148 ए के आप पे भी 147 हो जाएगा हम साथ साथ हैं स्टूडेंट्स नारा लगाना है अगर मैं नहीं बच पाया तो फिर आप नहीं बच पाओगे तो समझ रहे हो अल्टीमेटली ये सिचुएशन क्या है तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स 147 का जो प्रोसीडिंग्स है वो डायरेक्ट होगा कोई 148 ए की प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी ना मुझ पे ना आप पे ना मुझ पे

होश भी था कि सीए करना है उस समय पे वहां पर उन्होंने क्वेश्चन डाला था कि 147 में ये है बताइए किससे अप्रूवल लेना है ये क्वेश्चन डाला था बताइए किससे अप्रूवल लेना है ये क्वेश्चन अल्टीमेटली आया था अब तो नया सेक्शन बन चुका है तो भाई प्रबल दावेदारी 151 की भी है अप्रूवल किससे लिया जाएगा कौन है वो जिससे अप्रूवल लेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपने ये जो प्रोसीडिंग्स जो 147 की जो चालू करनी है वो किस एवाई के लिए चालू करनी है वो किस एवाई के लिए चालू करनी है और जिस एवाई के लिए चालू करनी है वो आज के नोटिस से कितना उसका ड्यूरेशन हो चुका है वो आज के उस नोटिस से उसका ड्यूरेशन कितना हो चुका है देखो ड्यूरेशन के हिसाब से तय होगा कि अप्रूवल किससे लेना है जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा स्टूडेंट्स अप्रूवल का लेवल उतना ऊपर चला जाएगा जितना गैप ज्यादा हो जाएगा अप्रूवल का भी लेवल उतना ऊपर जाएगा तो देखते हैं अल्टीमेटली अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा लेट्स लुक छठी क्लास में थे स्टूडेंट्स चलो कहां होश था अल्टीमेटली तभी तो वही हीरो पुलिस सचिन तेंदुलकर इट इन द केस वेर थ्री ईयर्स और लेस देन थ्री ईयर्स है एंड ऑफ द रेलिवेंट एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ ताकि कोई मन में कोई शंका उत्पन्न मत करना और अटकले मत लगाना स्टूडेंट्स ना शंका ना अटकले होनी चाहिए मान के चलिए स्टूडेंट्स नोटिस आपने दिया तीस जून 2021 को ये कार्रवाई आपको करनी है किस पे आपको लग रहा है कि द इनकम टू द असेसमेंट तो डिफाइन करो डिफाइन कीजिए असेसमेंट ईयर लेसमेंट इनिस का जो इनकम विच एज चार्जेबल टू द असेसमेंट मुझे नोटिस देना है 30 जून 2021 को उस एवाई के लिए नोटिस देना कहां पे स्टूडेंट <laughs> बिल्कुल सही धीरज नोटिस देने के लिए नोटिस देने के लिए स्टूडेंट्स 148 की नोटिस स्टूडेंट्स मुझे मैं 30 जून 2021 को देना चाहता हूं तो आप बताइए कि यह 18 उन्नीस से क्या वो तीन साल का पीरियड कब कंप्लीट होता है तीन साल का पीरियड कब कंप्लीट होता है अठारह उन्नीस से एंड से स्टूडेंट कैलकुलेशन ठीक से करना आप लोग इकतीस मार्च दो हजार बाईस इकतीस मार्च दो हजार बाईस स्टूडेंट्स तो इकतीस मार्च दो हजार बाईस अल्टीमेटली तीन साल करो ना आप लोग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन से प्लस थ्री ईयर करो तो, तो, तो ये मैक्स ये पीरियड तक अगर आप नोटिस देते हो वन फोर्टी एट का पीरियड तक अगर आप नोटिस देते हो 148 का तो अप्रूवल किससे लेना है कौन है वो ऑफिसर ऑफिसर स्टूडेंट्स सीआईटी या पीसीआईटी या डीआईटी या पी पी बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स या पीडीआईटी इनसे ये होंगे हमारे ऑफिसर जिनसे एओ को अप्रूवल लेना पड़ेगा 148 या 148 ए के लिए दोनों के लिए प्रिलिमिनरी कि इंफॉर्मेशन वो अगर उसको आगे क्या करना है आगे उसको इंक्वायरी करना है वो को तो सैंक्शन लेना पड़ेगा तो किससे सैंक्शन लेना है उसको ये इन ऑफिसर से उनको सैंक्शन लेना पड़ेगा तो ये है होंगे आप बोलोगे चलो ठीक है सर समझ लिया इसके बाद अगर मैं नोटिस देना चाहूं तो दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं दीजिए नोटिस अगर यहां पर अगर नोटिस देना चाहते हो 148 का तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी अब जो हो जाएगा केयरफुल रहना यहां पे अब आप एक प्रीफिक्स डाल दीजिए सी को बोल दीजिएगा एक सी एक्स्ट्रा जोड़ दो आप एक सी एक्स्ट्रा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और यहां पे बोले सर यहां पे भी एक्स्ट्रा डी डाल दें ऐसा कुछ महकमा नहीं होता एक्स्ट्रा डी डालने की जरूरत नहीं है यहां पे क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स डीजी या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स ठीक है इनसे लेना पड़ेगा तो प्लीज केयरफुल रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं बना हुआ है पास्ट में इसके लिए मैं बता रहा हूं तो मुझे ऐसा बनाने की जरूरत नहीं थी तो अप्रूवल आपको किससे लेना है अठारह उन्नीस रिलेवेंट से नोटिस इकतीस मार्च दो हजार बाईस तक अगर आप देते हो तो आप फिर क्या कर सकते हो आपको ये अप्रूवल जो लेना है 148 ए बोलो या 148 के नोटिस के लिए अप्रूवल आपको कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या डायरेक्टर या प्रिंसिपल डायरेक्टर से आपको अप्रूवल लेना है अगर नोटिस आपको 31 मार्च 2022 के बाद देना है फॉर एलिमेंट असेसमेंट ईयर एटीन नाइनटीन तो उसके लिए आपको अप्रूवल जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा कमिश्ट, चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इनसे आपको अप्रूवल लेना है यहां तक भी ठीक है फ्रेंड्स तो ये अप्रूवल वाला पॉइंट ठीक है अब नोटिस देना ये चीज हमने फ्र कर ली है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसमें एक बहुत खतरनाक पॉइंट आने वाला है आइए फ्रेंड्स ये की एक बार कर दो तो, एक बार रीड करो स्टो मैं पे एक पॉइंट करने वाला हूं एक बार रीड कर लो बस वन फोर्टी सेवन की प्रोसीडिंग की शुरुआत कैसे होगी पढ़ लिया आप ने अब इसने फिट केस बना दिया मान लो कि फिट केस बना दिया तो 148 की वन 147 की प्रोसीडिंग कैसे शुरुआत होगी 148 के नोटिस से नोटिस देना पड़ेगा 148 का यह नोटिस क्या होगा 148 का एज पर दिस नोटिस यह बोला जाएगा कि आप रिटर्न फाइल करें आप रिटर्न फाइल करें फॉर दैट रेलिवेंट दिन रेलिवेंट अंदर करना है रिटर्न वो आपको 148 के के नोटिस अंदर बता दी जाएगी ठीक है वो रिटर्न जो एस फाइल करेगा उसको क्या बोलेंगे ठीक है तो नोटिस देने के बाद अकॉर्डिंगली एस के द्वारा रिटर्न फाइल कर दी जाएगी रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस तो इन रिस्पॉन्स टू नोटिस वो अपना रिटर्न फाइल कर देगा ठीक है क्वेश्चन स्टूडेंट ये आता है थोड़ा सा बताना ध्यान से स्टूडेंट क्वेश्चन अब ये आ रहा है कि क्या इस रिटर्न के अंदर क्या इस रिटर्न के अंदर स्टूडेंट एससी जो हमारा है एससी जो है, जो है कुछ न्यू क्लेम्स ऑफ डिडक्शन अवेल कर सकता है बी केयरफुल स्टूडेंट्स इस रिटर्न के अंदर जो एसएससी ने अभी फाइल किया है इन रिस्पांस टू द नोटिस ऑफ 148 क्या कोई ऐसा क्लेम जो कि उसने अभी पहले कभी क्लेम किया ना हो क्या वो क्लेम वो अवेल कर सकता है इन रिस्पांस टू दिस पर्टिकुलर नोटिस स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको जल्दी से बताओ फॉर एग्जाम्पल चैप्टर सिक्स ए का कुछ डिडक्शन भूल गया था अब उसको मौका मिला बोला अच्छा हो गया कि भाई मैं भी इंतजार कर रहा था परेशान चल रहा था मैं बड़े डिडक्शन छूट गए यार पता नहीं गलती हो गई सी ए से तो उस वजह से अब वो चाहता है कि चलो अच्छा हुआ क्या आप ही ने नोटिस दे दिया वन फोर्टी एट का तो ठीक है भाई मुझे वो जो नई इनकम है वो तो मैं दिखाई दूंगा लेकिन साथ साथ में मेरे जो डिडक्शन छूट गए हैं चैप्टर सिक्स ए के वो तो दिलवा दो आपने मंगाया रिटर्न का मैं फाइल कर रहा हूं आप मुझे वो डिडक्शन दिलवा दो तो बताए क्या नया डिडक्शन नया डिडक्शन क्या आपको दिया जाएगा इस इस पर्टिकुलर 147 के में जो की अमेंड किया गया है इस, इस नए प्रोसीडिंग्स के अंदर आपको डिडक्शन दिया जाएगा विच इज अनरिलेटेड

पुराने लॉ के अंदर भी था एंड व्हाट वाज दैट स्टूडेंट्स आपका जो ज्यूरिसडिक्शन 147 का है बहुत लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन स्टूडेंट्स और वो ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड है टू असेस क्या असेस करोगे चुन्नी बाबू क्या असेस करोगे आप तो असेस हम करेंगे क्या ओनली ओनली व्हाट असेस करेंगे ओनली सच इनकम देख रहे हो स्टूडेंट 147 के अंदर जो असेसमेंट का जो जून है वो लिमिटेड है दैट इज यू कैन ओनली असेस सच इनकम सच इनकम को डिफाइन कीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स क्या कहोगे सच इनकम को सच इनकम का मतलब है द इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स द इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज अस्केप विच हैजेप द असेसमेंट इनकम विच एज चार्जेबल टैक्स विच एज एस्केप दी असेसमेंट तो सच इनकम उसको डिनोट करता है आप बोलोगे सर लेकिन तो भी होना तो चाहिए नहीं उसके लिए वर्डिंग होना चाहिए था टोटल इनकम

टाइगर so, अभी भी जिंदा स्टूडेंट समझ कर चलना आप लोग सन इंजीनियरिंग कहीं नहीं गया बाकी आपके वो सारे जजमेंट चले गए अलाना सन पता नहीं क्या था वो सारे खत्म लेकिन सन इंजीनियरिंग अभी भी जिंदा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज द स्कोप ऑफ ऑफ़ इज़ ओनली ऑन सच इनकम नॉट ऑन दी टोटल इनकम और यही वजह है स्टूडेंट्स कि अब भी अगर एस सी रिटर्न फाइल करता है अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट के नोटिस के रिस्पॉन्स पे अगर वो एस सी रिटर्न फाइल करता है तो उस पे वो नया डिडक्शन क्लेम उसका करना बेकार है उसको वो डिडक्शन नहीं दिया जाएगा बिकॉज स्कोप ऑफ ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम आई बात समझ में स्टूडेंट तो आगे चलते हैं कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए स्टूडेंट्स बाकी ये पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स कर लिया क्या कर लिया कि 148 करने के पहले आप 148, 148 के पहले आपको क्या करना चाहिए 148 A कर लेना चाहिए लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 148 फोर्टी ए किस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा 148 A किस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा आई होप दैट ऑल ऑफ यूर क्लियर विद और अब एक आखिरी पड़ाव आ रहा है स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से सुनना अब तक तो हमने ये देख लिया स्टूडेंट्स कि इंफॉर्मेशन क्या है अब तक तो हमने ये देख लिया स्टूडेंट्स कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है और अब टाइम आ चुका है स्टूडेंट्स अब टाइम आ चुका है स्टूडेंट्स किस बात को लेके ये पता लगाने का इज द केस ऑफ डीम्ड मतलब कि डीमिंग फिक्शन के जरिए ये मान लिया जाएगा कि यह भी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है और अगर ये भी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है तो इसके आधार पे भी असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है 147 की प्रोसीडिंग्स को अंजाम दे सकता है तो वो कौन से डीम्ड इंफॉर्मेशन लॉ के अंदर नए लॉ के अंदर उन्होंने बताया है देखिए बस टिक मार्क करो 132, 132 टू 132, ए ए यहां पर मैं हूं स्टूडेंट्स मैं हूं मैं मैंने लिखा मैं लिखा हूं और यहां पर कौन है कौन है यहां पे? आप हो स्टूडेंट्स आप हो पहले पे मैं हूं तीसरे चौथे पे आप हो ठीक है तो देखो स्टूडेंट्स देख रहे हो ना कि असेसिंग ऑफिसर को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा तब जाके वो आपको छू पाएंगे स्टूडेंट्स मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा तब जाके अल्टीमेटली वो आपको छू पाएंगे आइए पॉइंट नंबर टू ही कुछ नया लग रहा है डीम्ड इंफॉर्मेशन के लिए पॉइंट नंबर टू कुछ नया लग रहा है स्टूडेंट्स क्या है ये नया अभी हमने थोड़ी देर पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी का देखा उसमें कहानी आपकी और मेरी ही थी मतलब पहले नंबर पे मैं था और दूसरे और तीसरे नंबर पे आप थे याद करो अभी अभी भी फोर्टी एट ए नॉट एप्लीकेबल वाला केस मैंने आपको बताया कि वहां पे वन फोर्टी एट ए नहीं की जाती सीधा वन फोर्टी सेवन में कूदी मारो वन फोर्टी एट का नोटिस देके वन फोर्टी सेवन शुरू कर दो ये वन फोर्टी एट ए का प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स करने की कोई जरूरत नहीं है 148A की प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है यही बताया था ना तो वहां पे कौन से पॉइंट्स लिखवाए थे 148 के नॉट एप्लीकेबिलिटी में पहला पॉइंट मेरा था दूसरा तीसरा पॉइंट आपका था यहां पर आप तीसरे और चौथे पोजीशन में नजर आ रहे हो भाई दूसरे में कौन आ गया फिर कौन आ गया है वो कौन है आ गया स्टूडेंट्स पुष्पा दूसरे पे कौन आ गया स्टूडेंट्स दूसरे पे आ गया है सर्वे ये सर्वे वाला केस में भी अगर जो आपको तो पता ही फ्रेंड्स की सर्वे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं वहां तो बुक्स को भी इम्पाउंड की जा सकती है इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है बुक्स भी इंपाउंड की जा सकती है सो फार एज सर्वे कंसर्न तो अगर सर्वे कंडक्ट हुआ है वन थर्टी थ्री ए के अंदर प्राइमरी तो वो भी क्या माना जाएगा माना क्या जाएगा इंफॉर्मेशन माना जाएगा वो भी इंफॉर्मेशन माना जाएगा तो अब दिल थाम के बैठी स्टूडेंट्स बड़ा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने मुझे आप लोग बताओ कि क्या फिर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो सर्वे से मुझे मिला है जो वो इंफॉर्मेशन जो सर्वे से एओ को मिला है क्या एओ डायरेक्टली 147 कंडक्ट कर सकता है या नहीं मतलब कि वो 148 ए को बाईपास करके क्या वो डायरेक्टली 147 शुरू कर सकता है या नहीं अगर उसे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है थ्रू अ सर्वे अगर उसे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है थ्रू अ सर्वे तो क्या वो 148 ए को बाईपास करके डायरेक्टली 147 कर सकता है बताना तो सभी ने है स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर तो सभी ने देना है क्या ये 148 ए को बाईपास करके 147 की तरफ वो कदम बढ़ा देंगे पॉसिबल है सर्वे के केस में ये तो बात सही है कि ये डीम्ड इंफॉर्मेशन है उसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि लॉ में बोल दिया गया कि इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ डीम्ड इन्फॉर्मेशन तो अगर इसे डीम्ड इन्फॉर्मेशन माना जा रहा है तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि क्या एओ वन ए को बाईपास करके डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन जो कि उसको सर्वे में मिला था उसके जरिए क्या वो डायरेक्टली 147 कंडक्ट कर सकता है बाय गिविंग द नोटिस अंडर सेक्शन 148 लास्ट <coughs> के दस सेकेंड बाद आंसर जल्दी दो मैजिकल धीरज तो स्टूडेंट्स सनी नितिन ध्यान रखना यहां पर 148 ए उस केस में मैंडेटरी हो जाएगा इट इज मैंडेटरी प्रोसीडिंग क्योंकि नॉन एप्लीकेबिलिटी में सिर्फ सर्च और रिक्विजिशन की बात कही गई थी सर्वे नहीं था वहां पे। और सर्च और रिक्विजिशन किस पे मुझ पे और मेरी वजह से आप पे आप क्यों अटक गए हो तो आपको पता है ना अल्टीमेटली मुझ पे और मेरी वजह से आप पे तो हम दोनों के केस में प्राइमरी 148 ए की जरूरत नहीं थी आप अटके क्यों थे आपको पता चल गया मेरे यहां पे अपने बुक्स रखी मटेरियल्स रखा या फोटोकॉपी रख दी और मेरे यहां पे क्या हुआ था सर्च हो गया था तो उसके आधार पे हम दोनों पे 148 के बगैर 147 की प्रोसीडिंग्स को शुरू कर सकता है लेकिन अगर सर्वे के जरिए उसको कोई इंफॉर्मेशन अगर प्राप्त होती है जिसे डीम्ड इंफॉर्मेशन माना गया है तो क्या वो वन फोर्टी एट ए को बाईपास करके वन फोर्टी सेवन शुरू कर सकता है एंड आंसर इज नो ही विल हैव टू ही विल हैव टू स्टार्ट विद वन फोर्टी एट ए की वो प्रोसीडिंग्स को वो शुरू करेगा ही करेगा आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर देयर विद ओके अच्छा वो बता दिया तो मैजिकली नाम लेना पड़ता था फोर्टी ए उसे करना ही पड़ेगा अब दिल थाम के बैठी स्टूडेंट्स आप लोग अगर तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अगर तो एओ के हाथ में ये इंफॉर्मेशन इन वजह से लगा है किस वजह से लगाए वन थर्टी टू वन थर्टी टू मेरे केस में एज वेल एज आपके केस में क्योंकि आप क्यों अटके आपको पता चल गया मेरे केस में एज वेल एज आपके केस में ये एक है और दूसरा सर्वे सर्वे होने की वजह से इंफॉर्मेशन लगा है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन उनके अगर हाथ में लगा है बिकॉज ऑफ सर्च रिक्वेजिशन एंड सर्वे तो ये बात दूर तक जाएगी क्या बोल दिया ये डीमिंग फिक्शन जो है ना ये डीमिंग फिक्शन क्या बोल रहा है ये डीमिंग फिक्शन बोल रहा है कि हम मान के चलेंगे क्या मान के चलोगे कि ये इंफॉर्मेशन पर्टेन करता है फॉर फॉर थ्री एमीजियटली प्रोसीडिंग दिलवियसिए तो मान के चलो स्टूडेंट एक फिर से एग्जाम्पल देता हूं आपको अल्टीमेटली ध्यान रखना ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट ये चीज एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में कैसे कैसे आएंगे कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल आएगा आपको इन द एग्जामिनेशन बीफ केयरफुल उज्वल बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग तीस जून दो हजार इक्कीस ये क्या डेट आप इसके पीछे पड़ चुके हो कुछ तो है जो होगा ये बात राज की बाद में बात तो अब आप बताओ स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर ऑफ सर्च क्या रहा आपका सर्च बोल दो या सर्वे बोल दो सर्च बोल दो या सर्वे बोल दो ट्वेंटी प्रीवियस ईयर हुआ ये सर्च या सर्वे हुआ है कंडक्ट किया गया है तो अकॉर्डिंगली टू इसका assessment ये क्या लास्ट प्रोसीडिंग थ्री का डीम्ड इंफॉर्मेशन ये मान लिया जाएगा अब लास्ट प्रोसीडिंग थ्री एवा में कौन से कौन से एवा अटकने वाले हैं तो आपके एवाई इक्कीस बाईस इक्कीस बाईस यहाँ पर ए वाई बीस इक्कीस और फाली यहाँ पर ए वाई उन्नीस बीस तो नाइनटीन ट्वेंटी 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 वन वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स दीज आर माई थ्री असमेंट ईयर्स दीज आर माई थ्री ए वाईज जिसके लिए क्या है ये थ्री ए वाईज के लिए डीम्ड इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट क्या है ये डीम्ड इंफॉर्मेशन है फिक्शन लगा दिया ना बोला तो बोला बोला तो बोला डीम्ड का मतलब यही होता है बोला तो बोला डीम्ड इंफॉर्मेशन क्या इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज स्केप्ड देंट डीम्ड इंफॉर्मेशन किस बात को लेकर है भाई तो डीम्ड इंफॉर्मेशन जो है वो किस बात को लेकर है दैट फॉर थ्री ए वाइज योर इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज असेसमेंट अब आप मुझे बताओ मैं अब क्या करूंगा स्टूडेंट्स मैं आगे 148 का नोटिस दूंगा या फिर 148 ए का नोटिस देने के बाद मैं 148 का नोटिस दूंगा अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना ऊपर वाला ये बनेगा सर्वे के लिए क्योंकि सर्वे में वन फोर्टी एट ए को बायपास नहीं कर सकते हो लेकिन क्या सर्च में ये आप वन फोर्टी एट को बाइपासन में वन फोर्टी एट ए को बाईपास कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो और ये नोटिस दी जाएगी आपको तो ये नोटिस दे के मुझे फिर बताएं आप स्टूडेंट्स ये नोटिस दे के ध्यान से देखना आप जो मैं बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स अरे ये नोटिस दे के स्टूडेंट्स क्या बोला जाएगा यह नोटिस दी जाएगी फिर 148 के कॉन्टेक्स्ट में और आपसे मंगाया जाएगा क्या मंगाया जाएगा फ्रेंड्स नोटिस दे के मंगाया जाएगा नोटिस रिक्वायरिंग किस बात का रिक्वायरिंग द एस सी रिक्वायरिंग द एस सी टू फाइल टू फाइल वॉट टू फाइल दी आरओआई? वाई टू फाइल दर वाय फॉर थ्री रेलवेंट एनसेज है और इस नोटिस के रिस्पॉन्स पे, पे क्या वो तीन ए वाय का yes. तो आर ओ आई फाइल करेगा एंड आंसर इज ये तो थ्री आर ओ फाइल होंगी और थ्री आर वाइज फाइल होने के बाद वो तीन ऑर्डर ऑफ असमेंट पास होंगे वो तीन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास होंगे स्टूडेंट्स थ्री ऑर्डर ऑफ असेसमेंट विल बी पास इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैं फिर से बता रहा हूं वो जो ऊपर का जो लिखा हुआ है अभी वो दिख नहीं रहा होगा मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं और क्या लिखा है ऊपर सर्वे देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स सर्वे का जो केस है उसमें तो 148 ए और फिर 148 वो फ्लो होगा और जहां तक स्टूडेंट्स जहां तक सर्च की बात है या रिक्वेजिशन की बात है मेरे और आपके केस में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या होगा 148 का ही अल्टीमेटली पॉइंट होगा और 148 के पॉइंट होने की वजह से नाउ इन दैट केस डायरेक्टली 148 की नोटिस दी जाएगी नोटिस दे के आप तीन साल का आरवाई फाइल करोगे और उसके हिसाब से तीन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास किया जाएगा इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स तो बताए क्लैरिटी मिल चुकी है कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो पूछ लो नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं यहां तक सारी तो क्लैरिटी मिल चुकी है आप बोलोगे लेकिन सर 19 20 में तो बिचारे के पास कुछ इनकम था ही नहीं अब कुछ था ही नहीं तो भाई आपको आंख में पट्टी बांध देनी है क्योंकि डीम्ड इंफॉर्मेशन डीम्ड का मतलब क्या है बोला तो बोला इनकम है तो इनकम है तो ये डीम वर्ड लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग ध्यान रखना इसको आप इंफॉर्मेशन के साथ मत जोड़ना आपको ये डीमिंग वर्ड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स अमेंडमेंट्स तो काजल में अभी स्लम सेल का तो मेरी तो अमेंडमेंट क्लास तो चल ही रही है स्टूडेंट जो अमेंडमेंट लेक्चर जिसको बैठना है बाकी जैसे कैपिटल गेंस सेल का तो देखो इसी पर्टिकुलर इसी पर्टिकुलर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिलेगा एक लिंक मिलेगा वो अमेंडमेंट क्लास के लिंक है स्टूडेंट ठीक है अभी मेरी एक ही अमेंडमेंट क्लास हुई है अगली अमेंडमेंट क्लास होगी इस सैटरडे को और इस संडे को अगली अमेंडमेंट क्लास होगी इस सैटरडे को और इस संडे को टरडे को हिंदी में संडे को इंग्लिश में और लास्ट में एक अमेंडमेंट क्लास होगी मंडे को एक होगी मंडे या ट्यूसडे को दो में से एक दिन वो आखिरी अमेंडमेंट क्लास है तो वो जो कैपिटल गेंस का जो अमेंडमेंट शायद अगर आपको किन स्टूडेंट्स को बैठना है तो आप बैठ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो चलो स्टूडेंट्स अभी कोई क्वेरी नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं फिर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वो स्पेशल क्लास में लेकिन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स में ठीक है <coughs> अब सुरंत आइए अब ये एक पॉइंट थोड़ा सा केयरफुल है ना यहां पर धोखा हो सकता है यहां पे धोखा हो सकता है मैंने मैंने सर्वे के लिए क्या कहा था कि सर्वे में बात कहा है उन्होंने कि डीम्ड इंफॉर्मेशन है सर्वे के केस में क्या लॉ कहता है कि ये मान लिया जाएगा कि आपके हाथ में इंफॉर्मेशन लगा है मान लिया जाएगा तो डीम्ड इंफॉर्मेशन है वो भी कितने साल के लिए मान लिया जाएगा थ्री ए लिए पिछले तीन साल के लिए प्लीज नोट करना इन्फॉर्मेशन वर्सेस डीम्ड इन्फॉर्मेशन में अगर आप फंडामेंटल डिफरेंस देखोगे तो क्या है इन्फॉर्मेशन के केस में तो वो दो केस ही था उसमें दो केस क्या था रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के तहत जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और दूसरा फाइनल कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन किसका सीएजी का अच्छा उस इंफॉर्मेशन के आधार पे तो किसी एक एवाई को ही टारगेट किया जा सकता है एस पर वॉट हैज बिन गिवन इन दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और सीएजी के फाइनल ऑब्जर्वेशन पे एक ही एवाई को टारगेट कर सकता हूं लेकिन ये जो डीम्ड इंफॉर्मेशन वाला केस है जिसमें सर्च रिक्वेजिशन अलोंग विद सर्वे को भी जोड़ा गया उसके आधार पे कोई इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है उसके आधार पे अगर कोई मुझे अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन के तहत मैं बाय डिफॉल्ट थ्री ए वायस के लिए क्या कर सकता हूं 147 की असेसमेंट कर सकता हूं ये वैसे ही कुछ है जैसे पिछले लॉ में वन फिफ्टी ए हुआ करता था जहां पे सिक्स एवाय की मैंडेट बनती थी यहां पर थ्री ए वायस है लेकिन यहां पर सर्वे का एक पॉइंट है तो सर्वे के बेसिस पे डीम्ड इंफॉर्मेशन सर्च के बेसिस पे डीम्ड इंफॉर्मेशन और ये डीम इन्फॉर्मेशन किस बात को लेकर है कि हम ये मान लिया जाएगा कि भाई पिछले तीन साल का आपका इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज है सस्पेंड ये मान लिया जाएगा तो मान लिया जाएगा तो बस हम प्रोसीडिंग 147 फोर्टी की शुरू कर देंगे जिसके लिए 148 की नोटिस देंगे और वो 148 की नोटिस देने पे उस एस को इस नोटिस के रिस्पांस पे थ्री आर फाइल करने पड़ेंगे थ्री आर फाइल करने पड़ेंगे ठीक है लेकिन ध्यान रहे कि 148 की नोटिस आप सिर्फ डायरेक्टली दे सकते हो ओनली इन द केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशन जबकि सर्वे के लिए सर्वे के लिए प्राइमरी आपको 148 ए से गुजर के 148 पे आना होगा और फिर 148 में आप नोटिस दोगे रिक्वायरिंग एस सी टू फाइल द आर ओ आई फॉर द्री एस इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स नॉट टू ऑल ऑफ यू कोई और क्वेरी हो तो पूछ लो स्टूडेंट्स नहीं तो फिर मैं ये टाइम लिट की तरफ आ रहा हूं मीन सर्वे देन इन ईच केस वन फोर्टी एट ए इफ थ्री ए काजल का क्वेश्चन देखो ये वैलिड क्वेश्चन है कि आप मुझे क्या थ्री शो का नोटिस देने पड़ेंगे नहीं काजल एक शो का नोटिस काफी है वो एक ही शो का नोटिस पे अटैक करेगा कि सर्वे के जरिए हमारे हाथ में ये इंफॉर्मेशन लगा है। अब आप बताओ कि हम आप पे वन फोर्टी एट कार्रवाई क्यों ना करे अब ये वो नहीं पूछेगा ध्यान से सुनना काजल ये वो नहीं वो पूछने वाला कि भाई वो तीन साल का नहीं वो तीन में से मुझे एक साल का ही अल्टीमेटली मेरे वो इंफॉर्मेशन तो अल्टीमेटली जो भी होगा एक ही साल का इनकम अल्टीमेटली निकलेगा लेकिन प्लीज नोट करके चलना ऑप्शन ए के हाथ में अब है ही नहीं हम ये डीम्ड इंफॉर्मेशन मान के चल रहे हैं मान के क्या चल रहे है कि तीन साल का अल्टीमेटली क्या है तीन साल का आपका ये इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स टक्सिप्ड असेसमेंट तो ये जो 148 ए का नोटिस जो देना है वो ईयर वाइज नहीं देना है हम हमें हमारे यहां पर कुछ चीज लगी हुई है मैं एस से पूछूंगा क्या पूछूंगा कि बताओ अल्टीमेटली मैं आप पे सर्वे क्यों ना करूं मैं आप पे की असेसमेंट क्यों ना करूं वो एक्सप्लेनेशन देगा भले वो एक्सप्लेनेशन एक ही साल का होता होगा ठीक है तब भी क्योंकि मैंडेट अल्टीमेटली मेरे पास है तीन साल का एज पर दिस सेक्शन मेरे पास वो ऑप्शन नहीं रहता है कि मैं वो तीन में से कट करके दो पे करूं या एक पे करूं दैट ऑप्शन इज नॉट देर बिकॉज लॉ आपको बोल के चल रहा है कि यू हैव अ डीम्ड इंफॉर्मेशन हाँ अगर आपको एससी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आपको लगता है कि नहीं गलत है प्राइमरी इसका जो सर्वे की जो फाइंडिंग जो हमें मिली है वो एस के एक्सप्लेनेशन के जरिए पूरी तरह से नलीफाई हो जाता है कि कोई एस का इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड तो एओ को पूरे वो तीनों सालों के लिए ड्रॉप करना होगा एओ कुछ भी नहीं कर सकता फिर अगर वो उससे उसके एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाइड है तो, तो या तो पूरा तीन या तो कुछ भी नहीं या तो पूरा तीन या तो कुछ भी नहीं तो वो जो ऑर्डर पास जब वो करने जाएगा वन ए का और अगर उसने उसको फिट केस बना दिया तो वो फिट केस होगा पूरे तीन साल के लिए और अगर वो उस एसएससी की एक्सप्लेनेशन से सहमत है कि भाई कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर दी दिस थिंग जो है विच हेज एस्किप दस्पेंड कोई रहता नहीं है तो वो किसी भी ए के लिए वो नोटिस देगा नहीं तो अगर वो नोटिस देगा वन का आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एस तो वो पूरे तीनों साल का देगा अगर वो नोटिस नहीं देगा क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन से एसएससी के एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड है तो उस केस में वो किसी भी साल के लिए वो नोटिस नहीं देगा एंड दैट इज द केस सर्वे और सर्च में डिफरेंस यही है कि सर्वे के अंदर पावर लिमिटेड है वहां तो आप सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस की तरफ जा सकते हो रेसिडेंशियल प्रोमाइसिस पे किया नहीं जा सकता एक्सेप्ट रेयर केसेस और अंत में है कि सर्वे में आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स को इंपॉर्ट कर सकते हो मनी बुलियन, एसेट्स उनको आप सीज नहीं कर सकते ये फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द सर्वे एंड रिसर्च आगे बढ़े स्टूडेंट्स अब अब देखो सबसे बड़ा मनमेंट है 149 के टाइम लिमिट में और टाइम लिमिट में ये डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स जिनको ओल्ड लॉ पता होगा उनको पता होगा कि 149 के टाइम लिमिट में 16 इयर्स का भी एक टाइम लिमिट हुआ करता था 16 साल का भी पुराना लॉ क्या कहता था फोर इयर्स, सिक्स इयर्स एंड इयर्स। चार साल छह साल या सोलह साल ये पुराने लॉ के हिसाब से ये सोलह साल तो पूरा निकाल दिया उन्होंने सिक्सटीन ईयर्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है सिक्सटीन ईयर स्टूडेंट पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको ब्लैक मनी के लॉ के अंदर वैसे ही एसेस हो जाता है फॉरेन एसेट्स और वो अपने आप में एक्ट है जो कि फॉरेन एसेट्स जो है उसको एसेस करने के लिए तो उनको लगा कि ये डुप्लीकेशन मेन एक्चुअली अगर आप देखो ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो क्या कर रहा है सारे डुप्लीकेशन को उन्होंने हटा दिया है कि यार 153 ए में पहले जो करते थे यार वन फिफ्टी ए में वो भी असेसमेंट ही हो रहा है 147 में भी असेसमेंट हो रहा है उसी तरीके से ये 16 साल क्या है ये 16 साल फॉरेन एसेट की असेसमेंट आप यहां पर भी असेसमेंट कर रहे हो ब्लैक मनी लॉ के अंदर भी फॉरन असेट्स का असेसमेंट चलता है तो बोला कि यार दो दो जगह पे करना है डुप्लीकेशन हो रहा है कुछ हो नहीं रहा तो उन्होंने यहां से निकाल ही दिया उसको तो फॉरेन एसेट्स का स्टूडेंट जो 16 साल का जो पॉइंट था ना जो आपने पढ़ा था ओल्ड लॉ में उसका जो असेसमेंट होगा प्राइमरी वो प्राइमरी कहां पर चला जाएगा वो ब्लैक मनी के लॉ के अंदर ऐसा नहीं कि यहां पर नहीं होगा यहां पर होगा लेकिन टाइम के अंदर अंदर अगर मिल जाता है तो आप यहां पर कर लो लेकिन अगर इस टाइम लिमिट के बाहर अगर चला जाए इस टाइम लिमिट जो अभी आप पढ़ने वाले हो उसके बाहर अगर, अगर चला जाए और वो बहुत पुराने पीरियड को रिलेट करता है मतलब कि पकड़ लो कि 2011, 2012 या 2008, 2009 तो आप अब इनकम टैक्स लॉ के अंदर वो 2008-2009 वाले केस के जो फॉरेन एसेट है उसको पकड़ नहीं पाओगे आप उसको पकड़ना है अब आपको तो ब्लैक मनी लॉ में जाना पड़ेगा ये गवर्नमेंट ने कर दिया है तो अब वो जो 16-16 साल वाला जो केस जो इस पर्टिकुलर एक्ट में रीओपन जो किए जाते थे फॉर दी फॉरन एसेट्स अब उतने लंबे पीरियड की रीओपनिंग इस केस में नहीं होगी यहां पे अब रीओपनिंग कितने साल के लिए होगी इसके नॉर्मल टाइम क्या है इसकी नॉर्मल टाइम स्टूडेंट्स है थ्री ईयर्स एंड टेन ईयर्स अब आप ध्यान रखना थ्री इयर्स एंड टेन ईयर्स अब ये थ्री इयर्स और टेन ईयर का खेल क्या है आप लोग देख लो एक बार जल्दी से वॉट इज थ्री इयर्स एंड टेन ईयर्स तो मान के चलो स्टूडेंट कोई भी एक ए वाई पकड़ लो तो एक कोई भी एवा पकड़ लो आप तो एवा अगर है आपका स्टूडेंट्स अगर ए वाय पकड़ लो आप लोग एवा बाईस तेईस रेलिवेंट एवा जिसका इनकम स्केप हुआ है जिसका इनकम स्केप हुआ है से दैट असेसमेंट ईयर इज एवा ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक है अब इस ट्वेंटी टू का मैं नोटिस 148 का या 148 का कब तक दे सकता हूं तो मैं जो नोटिस दूंगा ना स्टूडेंट तो थ्री ईयर्स अब इसका नॉर्मल टाइम लिमिट माना जाएगा तो थ्री ईयर्स वुड बी द नॉर्मल टाइम लिमिट तो थ्री ईयर्स जो नॉर्मल टाइम लिमिट।, तो लिमिट है कब तक खत्म होगा तो थ्री ईयर्स का कब का लिमिट होगा कब तक मैं दे सकता हूँ नॉर्मली बिना किसी संकोच के तो एंड ये ए वाई इसका बाईस तेईस है जो आपका एवाई है तो पकड़ लो थ्री इयर्स कर लो तो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ये थ्री इयर्स यहाँ पे कम्पीट होगा और यही इसी एवाई से दस साल ले लो दस साल मतलब कि आप यहां से यहां तक अगर आपको अप टू टेन ईयर्स टू टेन ईयर्स तक जा सकते हो मतलब अप टू टेन ईयर्स करो कितना हो जाएगा ये इकतीस मार्च थर्टी थ्री यही हुआ ना थर्टी थ्री थर्टी टू हुआ है. क्या हुआ है थर्टी कैलकुलेट करो दि से ये तीन साल ये हो गया तो और तीन साल करो तो उनतीस हो जाएगा उनतीस हो जाएगा और तीन साल करो तो बत्तीस हो जाएगा बराबर है? ये बराबर है ये अगर ये फासला तय करना है ना तो आपका आपका क्या चाहिए स्टूडेंट्स ये फासला तय करने के लिए स्टूडेंट प्लीज नोट करके चलना इस फासला अगर आपको तय करना ना तो जो इनकम है ये फासला अगर आपको तय करना है इनकम शुड बी ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं मैं इनकम शुड बी रिप्रेजेंटेड ये जो इनकम है दे आर बींग रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड थ्रू दी एसेट्स थ्रू वॉट थ्रू दी एसेट्स जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ग्रेटर देन और फिफ्टी लैक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फिफ्टी लैक्स तब जाकर अल्टीमेटली अगर पचास लाख या उससे ज्यादा का स्टेक लगा हुआ है तो इनकम विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एसेट ये मालूम है आप लोग को पढ़ा होगा सर्च में जिसने ओल्ड लॉ पढ़ा है वो इस चीज को रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने ओल्ड लॉ पढ़ा था सर्च का उसमें भी सर्च की असेसमेंट भी छह साल की होती थी याद करो और फिर छह साल से लेके दस साल तक अगर आपको जा सकते हो छह साल से लेके दस साल तक जा सकते हो अगर उस छह साल से दस साल के लिए जाना है तो वहां पर भी पचास लाख का थ्रेश दिया गया था इनकम इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एसेट शुड और लाइकली टू एक्सीड रूपीज फिफ्टी लैक्स ये था ना याद आ रहा है आप लोगों को पचास लाख का पड़ा हुआ रहेगा जिन्होंने ओल्ड लॉ पढ़ा रहेगा फर्क क्या है इसमें वो डिफरेंस है तीन साल के अंदर वो नॉर्मल टाइम है और तीन से लेके दस साल तो रीअसेसमेंट जो होगा वन फोर्टी सेवन का उसकी नोटिस अगर आपको देनी है, दे है तो आज अगर आप देनी है फॉर दैट ए वाई जिसका इनकम चार्जेबल टैक्स है तो उस ए वाई के एंड से देखिए आज का नोटिस का डेट क्या तीन साल खत्म हो चुके हैं अगर खत्म नहीं हुए तो कोई परेशानी नहीं है बस Normal चीज़ है अल्टीमेटली नोटिस दीजिए वन फोर्टी एटी एट का लेकिन आप बोलते हो कि नहीं सर ये तीन साल के ऊपर चला गया है आज मैं अगर नोटिस देना चाहूं, और फॉर दैट द इनकम ऑफ विच द इनकम टैक्स हैज चार्जेब्लू असेसमेंट अगर आज मैं देना चाहूं वो नोटिस तो इट फॉल्स बियॉन्ड थ्री ईयरस बट दस साल के अंदर इट फॉल्स बियॉन्ड थ्री ईयर आज का डेट तीन साल के ऊपर चला गया उस एवाई के एंड से तीन साल के ऊपर चला गया लेकिन दस साल के अंदर है तो फिर ऐसे ही मैं नोटिस नहीं दे सकता हूं 148 का मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो जो है उसका जो इनकम एस्केप हुआ है फ्रॉम द असेसमेंट इज और लाइकली टू एक्सीड ऑफ रुपीज फिफ्टी लैक्स और मोर तब जाके वो तीन और दस साल के बीच में मैं नोटिस दे सकता हूं फॉर दैट पर्टिकुलर इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यूर क्लियर विद स्टूडेंट्स अगर क्लियर हो स्टूडेंट्स और आप एक स्पेशल पॉइंट को डाइजेस्ट करने की हिम्मत रख सकते हो तो मैं आपको बताने की एक गुस्ताखी करने की कोशिश कर सकता हूं बताइए है हिम्मत स्टूडेंट्स क्यों मैं बोलना चाहूंगा ऐसे मैं बोल कभी नहीं बोलता लेकिन आईसीआई के मॉड्यूल में मैंने वो पॉइंट देख लिया है देख लिया स्टूडेंट्स मैंने वो पॉइंट तो क्योंकि दिख गया है इसके लिए स्टूडेंट्स तो ऐसा नहीं है कि कोई नॉलेज वॉलेज कोई ज्ञान भंडार अल्टीमेटली बांटा जा रहा है ज्ञान तो है लेकिन एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में अल्टीमेटली हमें चीजों को रखनी पड़ेगी मैं एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट पे ही आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने मॉड्यूल में देखा अदरवाइज मैं ये बोलता नहीं था ये वाला स्टूडेंट जरा पॉइंट पढ़ो ये आईसीआई के मॉड्यूल में कवर किया गया भी, क्या है कवर किया गया वैसे लॉ है लेकिन मैं देखना चाहता था कि ऐसे ने इसको कवर किया कि नहीं कवर कर दिया स्टूडेंट्स इसको जरा पढ़ना मुझे कुछ समझाना पड़ेगा ये चीज एक बार बस पढ़ लो नोट पढ़ने की जरूरत नहीं बस इतना पैराग्राफ पढ़ लो आप ने हो सकता है समझा नहीं रहेगा एक अलग चीज लेकिन पढ़ तो लिया होगा आप ने ठीक है आप लोगों असमेंट इन चल रहा था या उन्नीस बीस अठारह उन्नीस का असेसमेंट अचानक से ये एग्जाम्पल जब मैंने दिया आपको बहुत मैं था इसको कि मैंने एवा बाईस तेईस ही लिखना है बहुत मैं कॉन्शियस था स्टूडेंट्स इसको लेके कि मुझे ए वाई बाईस तेईस ही लिखना अठारह उन्नीस अगर मैं लिख देता था ना स्टूडेंट्स बात घूम जाती है। और मैं नहीं चाहता था मैं अठारह उन्नीस लिखूँ ये बा, आपका ए वाई बाईस तेईस है लेकिन आप बताओ स्टूडेंट्स आप बताओ स्टूडेंट्स आपका ए वाई बाईस तेईस है लेकिन आज अगर मैं 148 का नोटिस दूं भले ही मैं नए लॉ के हिसाब से दूंगा आज अगर मैं 148 का अगर नोटिस दे रहा हूं तो नए लॉ के हिसाब से दूंगा ये तो आप भी मानते हो आज मैं अगर नोटिस देने की कोशिश करूं तो मैं नए लॉ के हिसाब से दे सकता हूं तो अगर मुझे रेलिवेंट ए वाई मान के चलो अट्ठारह उन्नीस देखो ध्यान रखना ये जो असेसमेंट आया है वन का थोड़ा केयरफुल रहना ना ये आपके ए से इफेक्टिव है मतलब ए वाई बाईस ये जो असेसमेंट आया है आपका अल्टीमेटली 147 का जो रीअसेसमेंट नया सेक्शन है ये आपके एवाई से इफेक्टिव है एस लेकिन अगर कहानी EY 22 तेईस के पहले वाले एवाई की है और आज मुझे उन EY पे कार्रवाई करनी है स्टूडेंट्स किस एवाई पे कार्रवाई करनी है वो एवाई जो बाईस तेईस के पहले के है और कार्रवाई लेकिन मुझे आज करनी है जबकि लॉ बदल चुका है तो ये बोला गया है क्या बोला गया है? कि आपके पास है तो दस साल लेकिन अगर एवाई जिसका इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप असेसमेंट उसके लिए नोटिस आपको फर्स्ट अप्रैल 2021 के बाद अगर देना है फर्स्ट अप्रैल 2021 के बाद देना है तो दिल थाम के बैठे स्टूडेंट साहब आपको फिर उसकी नोटिस पुराने लॉ के टाइम लिमिट के हिसाब से ही देना पड़ेगा और पुराने लॉ का टाइम लिमिट मैक्सिमम आपको पुराने लॉ का लिमिट मैक्सिमम आपको कहां तो तक रोकता था सिक्स तक अल्टीमेटली तो साल तक रोक देता था साल तक आपको रोक देता था टैबलेट वन फोर्टी नाइन का जो टाइम लिमिट है ओल्ड टाइम लिमिट बताइए तो छ साल मतलब कि मतलब कि पकड़ लो 31 मार्च 2025 तक तो एवा अठारह उन्नीस को मुझे टारगेट करना है मुझे और मैं नोटिस ये पीरियड में देना चाहता हूँ नोटिस 148 के ये पीरियड में देना चाहता हूं, मुझे मैक्सिमम नोटिस मैं दे सकता हूं 31 मार्च 2025 हजार पच्चीस सर लेकिन 10 साल का है पॉइंट तो मैंने वही पूछा ना किस एवा की कार्रवाई करना चाहते हो दस साल का मैं भी मानने को तैयार हूं लेकिन किस एवा की कार्रवाई करने की चाह रहे हो आप बाईस तेईस की एवा तो मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि मैं वो वो जो लॉ है जो अभी पढ़ा है आपको उसका मैं उल्लंघन ना करूं इसके लिए मैंने जानबूझ के ऊपर लिखा था पे पे क्योंकि तो टाइम लिमिट पुराना ना चलेगा नहीं अगर इस एवाईस तेईस का एवा अगर उसकी इनकम अस्केप हो गई है चार्जेबल टू टैक्स फ्रॉम असेसमेंट तो उस केस में क्या होगा उस केस में तो आप नए टाइम लिमिट के हिसाब से चलोगे लेकिन आज हम नोटिस देंगे आप, आप प्रैक्टिकली सोचो ना आज मैं नोटिस देने वाला हूं मैं हजार इक्कीस में चल रहा हूं मैं किसका नोटिस दूंगा नए लॉ के हिसाब से नोटिस सारे देना पड़ेगा नए लॉ के हिसाब से मुझे 148 पहला करना पड़ेगा फिर मैं वन का नोटिस दूंगा अगर फिट case, तब मैं 148 का नोटिस दूंगा चलना तो मुझे नए लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा लेकिन किस एवाई को टारगेट कर रहे हो वो एवा जो बाईस तेईस के पहले के हैं तो फिर ध्यान रखना आपका नोटिस का टाइम लिमिट के आपका जो नोटिस 148 का है जो आप दे रहे हो वो टाइम लिमिट के अंदर है या नहीं ये पता लगाने के लिए आपको ओल्ड लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए आपको ओल्ड लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा और ओल्ड लॉ के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो छह साल मैक्सिमम स्टूडेंट है आपको वो नोटिस दिया जा सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ए एवाई तो ये पॉइंट है अब आप जब सीए बनोगे प्रैक्टिस करने जाओगे और प्रैक्टिस भी शुरुआती प्रैक्टिस नहीं कुछ और साल खत्म हो जाए अच्छा खासा तीन चार साल तब जाके पूरी तरह से वो जो ओल्ड टाइम लिमिट है ना वो खत्म हो जाएगी उसका कोई मतलब नहीं बनेगा ठीक है तो लेकिन तब तक तो भैया ओल्ड टाइम लिमिट उन ए के लिए जो बाईस के पहले के हैं उन के लिए जो बाईस तेईस के पहले के अगर उनका मुझे क्या करना है, अगर करना है। उनका मुझे क्या करना है, करना है और उसकी नोटिस मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा किस बात को लेकर मुझे ओल्ड लॉ के हिसाब से आजमाना पड़ेगा की आज जो मैं नोटिस दे रहा हूं क्या वो टाइम लिमिट के अंदर है या नहीं वो नोट वो मुझे ओल्ड लॉ के हिसाब से आजमाना पड़ेगा आई होप दैट स्टूडेंट्स यू ऑल आर क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स क्लैरिटी मिल गई सबको तो बस स्टूडेंट्स ये यही अमेंडमेंट था लेटेस रिकाप वही चीजें हैं प्राइमरी और कुछ नहीं है ये मैंने चार्ट स्टूडेंट्स आईसीआई के मॉड्यूल से पकड़ा है मॉड्यूल में चार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लें चलो रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स चार्ट के जरिए आईसीआई को सम्मान देते हुए उनकी चार्ट ली गई तो उनको सम्मान देना भी जरूरी है स्टूडेंट रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपका ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाता है

और यहां व्हेन वेन हैज डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन तो याद है ना डीम्ड इंफॉर्मेशन में मेरे पे सर्च प्राइमली आपके वो दो केस आपकी एसेट आपकी बुक्स या आपकी फोटोकॉपी और और एक केस क्या था सर्वे वाला और एक केस क्या था सर्वे वाला वहां से डीम्ड इंफॉर्मेशन आ रही है तो पहले इंफॉर्मेशन के दो पॉइंट थे ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से फॉर्मुलेट हुआ हो या फिर फाइनल ऑब्जेक्शन रेस सीएजी और वो डीम्ड इन्फॉर्मेशन किसका है सर्च वाला केस या सर्वे वाला केस सर्च वाला केस या सर्वे वाला केस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बुलियन एंड या सर्च वाला केस सर्वे वाला केस या ये आप वाला केस है ये आप वाला केस है स्टूडेंट्स ये तीसरा पॉइंट देख लो ये आप वाला केस है तो पहला केस मेरे पे सर्च मेरे पे सर्च ठीक है सर्वे

या तो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा इंक्वायरी कंडक्ट करेगा वन फोर्टी एट ए में और उसके वजह से एस एस सी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑफ बींग हर्ड और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा डिसाइडिंग बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड द रिप्लाई ऑफ द क्या कि वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस ऑफ एन ऑर्डर और यहां पर अगर आप देखोगे इस सीनारियो में स्टूडेंट यहां पर राइट एंड साइड में देख लो कि वन एंड थ्री अबाव वन एंड थ्री कौन सा है मेरे पे सर्च एंड मेरे घर पे जब सर्च हुआ था तो आपके एसेट्स और आपके नेसेसरी नहीं है लेकिन सर्वे के लिए क्या बताइए क्या सर्वे के लिए वन फोर्टी एट ए नॉट एप्लीकेबल है ये कारबॉट नहीं किया गया ये एक्सेप्शन सिर्फ मेरे केस में जिस जहां पे सर्च हुआ और आपके केस में जिस की किताब या जिसके अल्टीमेटली एस मेरे घर पे पाए गए थे सर्च के टाइम पे तो हम दोनों पे ही वन ए नहीं लगेगा सर्वे के केस में हावर इन द केस ऑफ सर्वे वन फोर्टी थ्री ए सच एक्सेप्शन के लिए वन फोर्टी एट ए होगा और वन फोर्टी एट उसके बाद और फिर क्या इन्फॉर्मेशन है डीम्ड किस बात को लेकर ये डीम्ड किस बात को लेकर है ये तो बता दो कि डीम्ड इन्फॉर्मेशन किस बात को लेकर है कि आपकी जो इनकम है विच इज चार्जेबल टू असेसमेंट फॉर तो ये इमीजिएटली दिल्लीसमेशन वो थ्री लिए, तो वो थ्री ए बात कर रहे हैं और फिर क्या होगा कुछ नहीं होगा 147 शुरू होगा और 147 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स 147 के लिए पवन विल सर्व द 148 अलोंग विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर लीजिए स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया अब इसके बाद तो कुछ है नहीं टाइम लिमिट मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स ये सारी चीज ले दी थी लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ दस साल का टाइम लिमिट प्रैक्टिकली जमीन पे उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है अभी फिलहाल आपको तो पता ही क्यों क्योंकि आज जो नोटिस दिए जाएंगे कोई बाईस तेईस का नहीं दिया जा रहा है जो मैंने बाईस तेईस का एग्जाम्पल दिया था वो अभी के लिए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कोई बाईस तेईस का नोटिस आज कोई देने वाला नहीं है जो भी नोटिस गिरने वाले हैं सब अल्टीमेटली बाईस तेईस के पहले गिरने वाले हैं अगर वो नोटिस अगर वो आपको लगता है कि वो साल के अंदर है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं कर लो लेकिन अगर वो छह साल के बाहर चले गए वो AY, जिसका नोटिस आपको आज देना है तो भले ही वो दस साल के अंदर क्यों ना हो भले ही वो दस साल के अंदर क्यों ना हो स्टूडेंट्स क्या वो ए का असेसमेंट आप कर पाओगे 147 के अंदर कर पाओगे नहीं कर पाओगे चलिए ये कम्पलीट हो गया बस कम्प्लीट छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स कोई दम नहीं मैंने सब कवर कर लिया है सब कवर कर लिया ये सारे पुराने प्रोविजन्स हैं ऑल दीज आर ओल्ड प्रोविजन्स कोई चेंज फे... फेसलेस तो स्टूडेंट्स ये तो उसका पॉइंट नहीं है अभी फिलहाल फेसलेस इज नॉट फॉर दिस थिंग वन फिफ्टी टू ये भी पुराना पॉइंट है कब प्रोसीडिंग्स वन फोर्टी सेवन की ड्रॉप हो सकती ये सारे पुराने पॉइंट है वन फिफ्टी थ्री टू टाइम लिमिट कब तक ऑर्डर पास किया जा सकता है स्टूडेंट्स ये जो वन फोर्टी सेवन की जो प्रोसीडिंग्स आपने शुरू कर दी है ना जिसका ऑर्डर आपको पास करना है 147 में कब तक करना है ऑर्डर पास तो 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच दी नोटिस अंड वन फोर्टी एट इज सर्वड सर्व्ड है थैंक यू काजल तो ये सिचुएशन अल्टीमेटली ध्यान रखेंगे आप लोग तो टाइम लिमिट टू 147 जस्टिसमेंटी सेवन ट्वेल्ल फ्रॉम द एंड ऑफ दशियर वन फोर्टी ठीक है इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा कोई चेंजेस नहीं है कोई चेंजेस नहीं है सेम वही है क्या है कि पहला वन फिफ्टी सुनना है तो बस सुन लो आप लोग क्या है ना कि अगर कोर्ट का डिसीजन की वजह से अगर मैं वन फोर्टी एट की नोटिस देना चाहता हूं अगर मैं रीअसेसमेंट करना चाहता हूं तो ध्यान से सुनना कोर्ट के डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस में उसकी वजह से अगर मेरी नोटिस अगर जा रही है वन की मतलब मुझे रीअसेसमेंट करना तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट इफ आई वॉन्ट टू गिव अंडर वन फोर्टी एट तो वो भले ही वो दो हजार एक दो हजार दो का कोई केस हो उसकी नोटिस मैं आज भी दो हजार इक्कीस बाईस में दे सकता हूं तो मान के चलो कि कोर्ट का जजमेंट आया कि भाई ये कस्टम्स लॉ में ये आइटम को हम प्रोहिबिटेड गुड्स मानते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स मानते हैं तो अगर प्रोहिबिटेड गुड्स अगर आपने मान ही लिया है तब तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ लॉ के खिलाफ अल्टीमेटली ये केस है तो उसका डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए लेकिन मेरी सौभाग्य ऐसी थी कि मेरा असेसिंग ऑफिसर मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था और इतने सालों तक मुझे डिडक्शन देता गया लेकिन टाइम सेम कहा रहता स्टूडेंट्स इक्कीस बाईस आया मेरे टाइम फिरे एक किसी के जजमेंट आई किसी के केस में जहां पे ये बोला गया कि ये सारे गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स की कैटेगरी में है तो मतलब ये क्या हो गया ये इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ का केस निकल रहा है और इसका मतलब ये हुआ कि कान ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और प्रोहिबिटेड बाय लॉ होने की वजह से इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन नहीं बनती है एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन थर्टी सेवन लेकिन मेरा एओ मुझे दे रहा था अब आई एम रनिंग आउट ऑफ लक अब मेरी अल्टीमेटली किस्मत अब गर्दिश में आ गए और उसकी वजह से क्या होगा क्या वो जजमेंट के बेसिस पर वो जजमेंट के बेसिस पर क्या अब मेरा असेसिंग ऑफिसर 2021-22 में नोटिस देगा फॉर एनी प्रीवियस एवा जिस एवा के लिए मुझे इस पर्टिकुलर परचेज का डिडक्शन मिला था क्या वो मुझे आज 21-22 में उन सारे एवाय के लिए नोटिस दे सकता है टू द आंसर इज यस कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स 150 का सेक्शन ओवर right करता है टाइम लिमिट 149 का और उसको ओवर करके वॉट इफेक्टिवली दे हैव गेन इफेक्टिवली फ्रेंड्स उन्होंने क्या गेन किया गेन फ्रेंड्स उन्होंने ये किया कि कोई टाइम लोड वन की देखी नहीं जाएगी अगर आपका रीअसेसमेंट या 147 का असेसमेंट किया जा रहा है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नोटिस ऑफ सेक्शन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट उसके लिए वन फोर्टी नाइन की टाइम लिमिट आपने नहीं देखनी है आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बस इतना ध्यान रखना ये पुराना लॉ है उसके भी कुछ फाइनर पॉइंट्स हैं कुछ फाइनर आस्पेक्ट्स हैं मैं उसको नहीं इस पर्टिकुलर सेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वो ये सेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन ये सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि अमेनमेंट से ये पूरा चेंजेस क्या हुआ है आपको बताना है टिल ऑर्डर लिमिट कब तक पास कर देनी है लीजिए स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है बस इतना ही आप लोग कर ले तो तो में क्वेश्चन आपका है इसी में क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको आज क्लास में करवाई इसको बस एक बार रिवाइज कर लेना ठीक है एक ही बार रिवाइज कर लो स्टूडेंट्स काम आपको बन जाएगा सो जस्ट एनश्योर टू रिवाइज रिवाइज आई हैव प्राइमरी उतना ही करो जितना सिखाया गया बस इसी में क्वेश्चन बनने हैं ठीक है अब स्टूडेंट्स एक एक बस एक आपको बता दूं मैं मेरी शनिवार की क्लास होती है शनिवार और रविवार की क्लास स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है शनिवार रविवार की मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूं लेकिन इस शनिवार के शाम को मैं रिवीजन क्लास ना लेके मैं रविवार के शाम को लूंगा रविवार के सुबह की जो क्लास है वो वैसे के वैसे ही रहेगी रिविज़न लेक्चर रविवार के सुबह को जो रिविजन लेक्चर होगा वो वैसे के वैसे रहेगी तो रविवार सुबह को होगा और रविवार शाम को रविवार सुबह की टाइम होगी सुबह के सात बजे से लेके एक बजे तक और शाम के पाँच बजे से लेके शाम के पाँच बजे से लेके है आपका शाम के पाँच बजे से लेके स्टूडेंट्स फ्रॉम फाइव ओ क्लॉक टिल पाँच बजे से लेके दस बजे तक ठीक है बस टॉपिक जो हम लोग रिविजन ले रहे हैं तो संडे समझ के चलिए स्टूडेंट्स मैराथन है आपको बैठना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जीवन मृत्यु का सवाल है न्यू कोर्स के लिए और वो होगा नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग जीवन मृत्यु का सवाल है स्टूडेंट्स तो एनआर टैक्सेशन एंड ट्रांसरप्राइजिंग सुबह को हम सात बजे शुरू करेंगे ठीक है रविवार को सुबह को सात बजे शुरू होगी फर्स्ट सेशन सात से एक होगा एक बजे के बाद आप लंच कर लीजिएगा थोड़ा आराम कर लें और फिर फिर से जोश के साथ पाँच बजे अल्टीमेट हाजिर हो जाना छोड़ा फिर पाँच बजे से लेकर दस बजे तक पाँच बजे से लेकर दस बजे तक ये होगा ताकि आपका लगभग मैं कंप्लीट करवा दूंगा लगभग मैं कंप्लीट करवा दूंगा क्या कंप्लीट करवा दूंगा स्टूडेंट्स इसकी अहमियत क्या होती है तो इसकी अहमियत आपसे अच्छा कौन जान सकता है तब तक स्टूडेंट्स इसको एक बार रिवाज करे ना जो आज हमने किया है एंड देट एक्सैक्ट इज अपॉइंट चलिए ठीक है चलो थैंक यू सनी धीरज गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एन आर हाँ एन आर तो पहले तो एन आर से शुरू करना पड़ेगा सुबह को सात बजे से चालू करूँगा संडे को ठीक है सुबह के सात बजे से चालू करेंगे संडे को सात से एक और फिर बाद में जब सेकेंड लेक्चर चालू होगी हमारी शाम को तो उस सेकेंड लेक्चर में हम ट्रांसफर प्राइसिंग भी अल्टीमेटली मेथड्स तक मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कम से कम मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स तक तो कम्प्लीट अगर कर लिया तो समझ जाओ कि उसके बाद फिर तो थियोरी बच जाते हैं देखते हैं लेकिन मेरा टारगेट उतना तक तो है ही है कि मैं मेथड्स तक उसको अच्छे से कम्प्लीट कर दूं ज्यादा से ज्यादा सेकेंड एडजस्टमेंट और ए अगर कर पाए तो बोनस हो जाएगा अपने लिए कोशिश तो रहेगी कि जितना मैक्सिमम कवर कर, -कर पाऊँ संडे को रहूँगा क्योंकि शायद उस दिन पे काफी स्टूडेंट्स लोग अवेलेबल भी होंगे ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स बस अब आखिरी में ये अनाउंसमेंट मैं करवा दूं जो एक औपचारिकता रहती है स्टूडेंट्स नहीं वो तो एक्चुअली मैजिक वो क्या है है ना कि शाम को तो करना ही है वो तो शाम की क्लास तो चलेगी चलेगी लेकिन साथ में सुबह की भी क्लास चल रही है तो वो तो अवॉइड मैं नहीं कर पाऊंगा ये सिचुएशन में ठीक है फिर तो एक जल्दी से अनाउंसमेंट या तो चलो ठीक है अगर लाइव नहीं बैठ पाओ तो काजल आप देख लेना ऑफलाइन में देख लेना क्या कर सकते हैं इज इन लाइव में बस एक चीज़ अच्छी रहती कि क्या कुछ क्वेरीज अगर आ जाते हैं बच्चों की तो क्वेरीज मैं अटेंड कर सकता हूँ लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप चिंता मत कीजिएगा आप लोग व कर लेना अब स्टूडेंट्स एक बात जल्दी से बता दूँ स्पेशल क्लास तो अपनी फीचर्स तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स स्पेशल क्लास जो आप संडे का जो मैंने बताया ना अमेंडमेंट क्लास जो मैंने आप लोग को बताया था अमेंडमेंट क्लास जो आप लोग बैठोगे फ्रॉम द लिंक जो आपको दिया गया है तो उसके फीचर्स देखो क्या क्या है सारे रेज हैंड स्पीक डायरेक्टरी विद द एडुकेट लाइव क्लास में वॉइस चैट होती है डिस्कस डाउट्स एंड कंसेप्ट कोई भी डाउट आप स्क्रीन शॉट के जरिए भी फ्लैश करवा सकते हो बता सकते हो तो ये सारे फ़ायदे मिलते हैं स्पेशल क्लास में अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में कोई भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो वो सब चीज़ें भी आपका है, वो है प्लस सब्सक्रिप्शन है जो आपको सब्जेक्ट की कवरेज जो जो बच्चों को करनी रहती है प्लस सब्सक्रिप्शन में स्टूडेंट बस कोड आप ध्यान रखेंगे सी एडीएस क्योंकि ये सी एडीएस के कोड पे आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे तो ये कोड प्लीज़ उनको बोल दीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स लोग जाने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जहाँ शेयर आप लगे कि ये वीडियो यूजफुल था और आपके फ्रेंड्स को देखना चाहिए तो आप शेयर भी कर दीजिए लेकिन लाइक तो सारे स्टूडेंट्स करेंगे तो स्टूडेंट्स इसको अल्टीमेटली ये प्लस सब्सक्रिप्शन में ये चीज़ आप तो ध्यान रखो जाना कि सी ए डी एस का कोड आप प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को बोलना लगाने के लिए क्योंकि इस पर डिस्काउंट ले तो बिना डिस्काउंट के अल्टीमेटली उस ऑप्शन ना लें थ्री मंथ से लेके ट्वेंटी फोर मंथ्स तक का उनके पास ऑप्शन है थ्री मंथ से लेके ट्वेंटी फोर मंथ तक का ऑप्शन स्टूडेंट्स तो ये है कॉम्बो का भी पैकेज मतलब काफ़ी इकोनॉमिकल मिल जाएगा एक चीज़ बोला जा सकता है इस प्लेटफॉर्म का आपको तो पता ही स्टूडेंट्स काफ़ी इकोनॉमिकली चीज़ें नेगोशिएट हो जाएंगी ये चीज़ आप देख सकते हो आइकॉनिक एक लेवल ऊपर जाता है जहाँ पे टेक्सट बुक्स भी साथ में प्रदान की जाती है अलॉन्ग अदर फीचर्स आइकॉनिक ये तो प्रोग्राम आपको पता ही है आइकॉनिक का फायदा भी देखा जाएगा तो जिस लेवल का इसका फीस है तो वो फीस के लेवल पर अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत सस्ता ये भी है आइकॉनिक प्रोग्राम तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स और एक इनका ये चल रहा सिक्स प्लस वन मंथ का ये ऑफर चल रहा है जो कि एक्चुअली आज आज लास्ट ही था क्योंकि तो तेईस फरवरी का डेट है तो बस यही था तो चलो ठीक है फ्रेंड्स ये चीज़ हो गई मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स फिर ठीक है ना नेक्स्ट संडे को मैं आपके साथ मिलता हूँ इसी यूट्यूब के माध्यम से मुलाकात करेंगे फ्रेंड्स संडे को डायरेक्टली फाइन टेक केयर फ्रेंड्स गुड नाइट ऑल ऑफ यू बाय